एक चीज क्या है क्रिप्टो में, एवरीथिंग इज अपोजिट इन क्रिप्टो. व्हेन आई से एवरीथिंग इज अपोजिट, अ गुड न्यूज इन द मार्केट इज टाइम टू सेल, अ बैड न्यूज इन द मार्केट इज टाइम टू बाय. अगर आप सक्सेसफुल हो ना तो आपको बहुत हेट मिलता है. मेरे फोन कॉन्स्टेंट बजना शुरू किया और पहले दिन वो बजना शुरू किया, पता नहीं थाईलैंड मेरे लिए लग के हर साल जाना पड़ेगा मुझे. Hi guys, welcome back to my channel, The Candlestick Trades. So today we're gonna do a podcast and a round discussion with my friend Abhay. So who's been trading Indian markets and वो crypto भी trade करता है and forex भी trade करता है, right? And the best thing is he's trading live with people on the YouTube, ठीक है? जहाँ पे 4,000 to 5,000 लोग उसको देखते हैं live trade करते हुए, जहाँ पे वो analysis बताता है, उसका journey बताता है and whatever he does as a trader, okay? So meet my friend Abhay. Thank welcome you, Abhay. थैंक यू प्रसाद फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल. एंड जैसे कि आपने बोला कि मैं सारे मार्केट्स ट्रेड करता हूँ और कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए. सो मैं शुरू करता हूँ कि कैसे मैंने शुरू किया ये चीज़ में, मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ. तो बैक इन स्कूल टाइम जब मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि यार पैसे कमाने, मैं और मेरे दोस्त जब जाते थे ना रोड साइड स्कूटी लगाते थे और बैठते थे यार, पता है मतलब कोई दुकान देखते थे, पता है ये दिन के 10 कॉफ़ी बेचता है. कैलकुलेशन ये मतलब 100 कॉफ़ी बेचता होगा, 20 रुपये की कॉफ़ी है, 2,000 रुपये इसका जो भी कैलकुलेशन आ रहा है थोड़ा ख़राब होगा, तो 20,000 समझो आ रहा है और उसमें उसका खर्चा 5,000-10,000 आ रहा है, तो ये महीने का 10,000 कमा रहा है. तो हमें ना हर जगह जहाँ पे भी जाते थे ना वो कैलकुलेटर लेकर जाते थे, मैं और विराज, यंग ट्रेडर विराज आप जानते होंगे. सो हम कैलकुलेटर लेके घूमते थे और हम इतने बिजनेस आइडियाज़ प्लान करते थे, इतना डिस्कस करते थे कि कुछ करना है कुछ करना है. सो शुरुआत कहाँ से हुई, पहले मैंने शुरू किया. देखो आप जब भी स्टार्ट करते हो आपका मेन कंसर्न क्या होता है, आपके पास कैपिटल नहीं होता, सबसे right. बड़ा प्रॉब्लम पैसे okay. नहीं होते. सो ऐसा चीज़ शुरू करना जहाँ पे पैसे नहीं लगते वो सबसे यूनिक आइडिया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स ही शुरू होता है. सो right. so, मैंने सबसे पहले क्या देखा कि बहुत ट्रेंड चल रहा था कि वो फेसबुक पे लोग खींचते थे ना पिक्चर्स right. कि और उसके नीचे कैप्शन डालते थे यू, और मतलब डेंजर डेंजर एडिट्स करते थे और एकदम कपड़े कैसे टिकटॉक वाले कपड़े समझ जाओ, तो उसका वो ट्रेंड था उस टाइम. तो मैंने क्या सोचा क्यों ना इसके मैं फाइंड करूँ डीलर्स को और इसके इसको बेचूँ, लाइक मैं मिडल मैन बनूँ और मेरा पेज वगैरह बना के उसे बेचूँ. सो इसमें क्या आया, एक्सेसरीज आ गए, टी शर्ट्स हो गए, मोबाइल कवर्स हो गए, शूज़ हो गए. तो मैं क्या करता था, मैं इसको सेल करता था, मतलब मेरा पेज था, मैं मिडल मैन था कोई, और मैं पोस्ट करता था, लोग ऑर्डर करते थे मेरे पेज से और जो भी बंदा ऑर्डर करता था मैं डीलर से डायरेक्टली वहाँ बेचता था. सो ये एक ऐसा यूनिक आइडिया लगा जहाँ पे कुछ पैसे नहीं करने, फ़ोन पे काम करना है, पोस्ट right. करते जाना है और पैसे भी बनते रह रहे हैं. और स्कूल टाइम इतना शॉर्ट हो गया ना कि जहाँ जा रहा हो यार पैसे मतलब प्राइस देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम क्या अर्निंग गुड मनी राइट. उस टाइम खर्चा क्या होता है, अपना मूवी बर्गर और कोक समझो right. इतना ही खर्चा रहता right. है, उसके ऊपर कोई दुनिया नहीं रहती. बट जब मेरी स्कूलिंग हो गई ख़त्म और मैं पुणे शिफ्ट हुआ कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आना शुरू हुई, बिकॉज तब एक लाइफ पूरी चेंज हो गई. मतलब मैं एक टीयर टू सिटी से एक टीयर वन सिटी में मूव हो गया और इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एकदम बोला जाता है MIT के बारे में अगर पता होगा तो ऐसे एकदम रिच किड्स कॉलेज बोला जाता है वहाँ पे. सो सब मेरे अराउंड ऐसे थे ना कि कोई BMW में आ रहा है, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, और वहाँ पे मेरे को एकदम मैं KTM लेकर जाता था कॉलेज में, वो भी उस टाइम के लिए बहुत अच्छी गाड़ी थी. बट मेरे को बहुत ऐसे जब मैं ड्राइव तो मैं काफ़ी मैं ऐसा बंदा हूँ ना काफ़ी एम्बिशियस था, क्योंकि उस टाइम जब मैं टीयर टू सिटी में था और मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता था, जब मैं टीयर वन सिटी में आया, अब आपके पास क्या होता है पॉकेट मनी आती है जिसमें पूरा हिसाब लिखा रहता है कि 10,000 रुपये ये जो हॉस्टल का रेंट है उसका, उसके बाद 5,000 रुपये जो खाने का मैस है हॉस्टल के मैस का हो गया, लिमिटेड अमाउंट यू हैव लिमिटेड अमाउंट, और उसके बाद 5,000 रुपये और देंगे कि चलो ऊपर नीचे का खर्चा, इधर उधर घूमने का खर्चा हो गया. लेकिन देखा जाए ना पुणे इतना कॉस्टली सिटी है कि अगर मैं वीकेंड पे कहीं जाऊँ तो ऐसे ही अभी 5,000 तो कुछ भी नहीं है, बट उस टाइम इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो कि मुझसे होता नहीं. मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि जहाँ भी जाऊँ
एक तो मेहनत इतनी करो कि यार जहां भी जाओ सोचना ना पड़े, सोचना ना पड़े, कीमत देखनी ना पड़े, वरना जाओ ही मत। राइट, तो वहां पे मेरे को शुरुआत की कुछ ना कुछ करना है। तो जब अपन बड़े सिटीज में आते हैं, बड़े गोल्स होते हैं, तो देखते हैं लोगों को क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वहां पे मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला 2018 में, फर्स्ट ईयर में था जब मैं, तब मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला। और तब मेरे पास लिमिटेड कैपिटल था और मैंने ट्रेडिंग में सबसे पहला, याद है मुझे, टाटा मोटर्स का एक मैंने स्टॉक खरीदा था और इक्विटी में खरीदा था, होल्डिंग में। सोचा अभी होल्ड कर, वो मूवी में बोलते ना ले लो कोई पुराना हाँ। शेयर होल्ड करो और रिटर्न्स आ जाएंगे। तो मैंने ऐसे सोच के फुल होल्ड किया और उसमें ऐसा लॉस हो गया 2-3 हज़ार। और उस टाइम के लिए 2-3 हज़ार मतलब मुझे 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे, ऐसे ऐसा अमाउंट था। तो मैंने सोचा यार रुक जाते, पहले सीखते समझते। फिर सीखते लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में ऐसा था कि पूरे 24 घंटे एक रूम में आप आइसोलेटेड हो जाते हो। तो मैं, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैंने 3-4 हज़ार में भी वीडियोस देखे होंगे उस टाइम पे। और मतलब जो 2018 और 19 ये 2 साल था मेरी ट्रेडिंग चल रही थी, कुछ यहाँ से वहाँ सीख रहा था, बट कॉलेज में टाइम देना और उसके बाद इतने सारे एक्टिविटीज़, कैपिटल नहीं, तो बहुत पैसिव थी ट्रेडिंग थी, बट बहुत पैसिव थी, सीख रहा था। बट कोविड वॉज द गेम चेंजर। बोलते ना कि 2020 में किसी की लाइफ काफ़ी ख़राब हो गई या किसी की लाइफ बन गई, बिकॉज ऐसे जब भी एक इवेंट्स आता है ना, जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी बहुत बड़ा इवेंट आता है, तो आधे लोग मतलब कुछ लोगों को बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है, कुछ लोगों को बहुत ख़राब अफेक्ट करता है, दोनों साइड होते ही है ऑब्वियसली। सो वो जो चीज़ थी मेरे लिए चेंजिंग थी, क्योंकि अब मैं अपने जोन में आ गया, मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ना कोई दोस्त मान लो या कोई पढ़ाई का कुछ मान लो, बस मैं और मेरा स्किल डेवलप करने का टाइम था। तो वहाँ पे मैंने एग्रेसिवली शुरू कर दिया सब चीज़ें, कैपिटल, ये थोड़े मेरा खुद की सेविंग्स थी कॉलेज के टाइम पे, जो पॉकेट मनी मिली थी, थोड़े घर से मैंने लिए थे और वहाँ से मैंने शुरू कर दिया। और मेरा बस एम था कि सस्टेनेबिलिटी करते जाना है, उसके बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट उड़ाते रहा, फिर ऐड उड़ाते रहा, ये बहुत टाइम तक चला, 2020 ऐसे ही चला गया। और 2020 में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बट एक एज आने लगा, एक साल के मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे फिर ऑप्शंस में, 2020 में गया मैं, 1 साल हो गए, बट एक एज डेवलप होना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया कि ट्रेडिंग में एज आ गया, मुझे लगा कि चलो मैं अच्छा सीख चुका हूँ, अब मैं क्या करता हूँ। 2021 में मैंने यूट्यूब शुरू किया था और वहाँ पे मैं कम से कम, यूट्यूब का तो एक अलग ही स्ट्रगल है, उसको थोड़ा बाद में बताता हूँ मैं। सो ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होता गया, लेकिन अब क्या हुआ, 2021 जैसे ही हुआ, 21 के मिड में कॉलेजेस वापस चालू हो गए, मतलब लॉकडाउन हटा, कॉलेज चालू हो गए। और मेरे को ऐसा था कि कॉन्स्टेंट प्रेशर था कि कॉलेज की फ़ीस भरते जानी है, और मेरे पास ऑप्शंस में कैपिटल भी बहुत मुश्किल हो रहा था मेंटेन करना। और 2020 में सेबी का रूल आया कि आपको जो ऑप्शन में लेवरेज है वो हटा दिया जाएगा। तो अब जो कैपिटल लग रहा था वो 1.5 लाख रुपए लग रहा था ऑप्शन एक लॉट सेल करने के लिए। सो अब मेरे पास वो कैपिटल ही नहीं था, राइट, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट आप इतने कम एज में इतना कहाँ से कैपिटल लाओगे। आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो रही है, आपका कैपिटल बढ़ते जा रहा है, बट एकदम से एक, अब बोलते ना कि क्योंकि देखो जब आप एक लॉट पे कितना ही कमा लोगे, एक लॉट पे सेल करते हो तो आप 1000-2000 कमा लोगे, बट अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो वो रिक्वायरमेंट 10-15 लाख तक जाती थी। तो मुझे ऐसा था कि यार कैपिटल अब मुझे कैसे भी करके इकट्ठा करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो कॉलेज की फ़ीस मुझे दी थी, और मैंने कॉलेज की फ़ीस मुझे देनी थी, तो मैं कॉलेज में गया और वहाँ पे जाके मैंने बोला कि अभी मैं ये अगले 6 महीने फ़ीस नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे बहुत इश्यूज चल रहे। तो एक लेटर फॉर्मल लिख कर दिया और उनको मैंने लेटर दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, वो जो फ़ीस थी वो मैंने अपने अकाउंट में ऐड कर दी, राइट। और उसके बाद वो फ़ीस के ऊपर मैं बस उसको एज अ लेवरेज रखा था, मेरे पास कैपिटल तब था 80-90 थाउजेंड था और मैंने उस फीस को लेवरेज रखा था ताकि मैं और ज़्यादा लॉट ले सकूं, ट्रेड कर पाऊं, एग्जैक्टली थोड़ी और क्वांटिटी ले सकूं। अब मेरे पास अगर वो कैपिटल ख़त्म हो जाता, जो ऊपर का मेरा था 70-80 थाउजेंड, वो अगर ख़त्म हो जाता तो मैं ट्रेडिंग छोड़ देता या उस टाइम पे रोक देता, बट क्योंकि मेरे पास लेवरेज है तो मैं वहाँ पे ट्रेड करता गया, स्लोली स्लोली ग्रो करता रहा, कुछ इन्वेस्ट किया,
कुछ में मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया, कुछ में मैंने एकदम डाइवर्सिफाइड रखा था। ऐसा नहीं कि पूरा ऑप्शंस में ले लो जीरो हीरो एक रात में 10 लाख, क्योंकि वो माइंडसेट भी नहीं होता उतना पैसा बनाने का। एंड फिर वहाँ से ग्रो करता गया, और फिर मैंने 2020 में यूट्यूब चालू किया था पैसिवली, लेकिन 2022 के दिसंबर में, यानी अभी 23 चल रहा है दिसंबर, आप मान लो एग्जैक्ट एक साल पहले मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होना शुरू किया। तो आप पहले से लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या कैसे था? राइट, सो मैं 2020 में वीडियोस डालना शुरू कर चुका था, मैंने 400-500 वीडियो डाल दिया था, लेकिन 100 सब्सक्राइबर्स थे बस। 2020-21-22 तीन साल तक 100 सब्सक्राइबर्स थे। राइट, और मेरे को लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा था कि यार वो 500 वीडियोस मेरे एक जर्नल था कि यार मैंने इतना सब कंटेंट बनाया। उस बीच में वो 500 वीडियोस ऐसे नहीं कि एक ही चैनल पे गए, मैंने चैनल्स बनाए, मेरा यूट्यूब ने चैनल उड़ा दिया, दूसरा मैंने उड़ गया, तीसरा मैंने उड़ गया, पता नहीं क्या था, बट ऐसे चैनल मेरे डिलीट हो गए। तो मैंने क्या डिसाइड किया, अब अकाउंट चेंज करूंगा, मोबाइल चेंज करूंगा, नंबर चेंज करूंगा, एक डिफरेंट पूरी पर्सनैलिटी से अकाउंट बनूंगा, क्योंकि पता नहीं उस नंबर को या किसके तो पनौती लग गई हो फोन को। तो वैसे मैंने चालू कर दिया चैनल, एंड 2022 के दिसंबर में मेरे को अभी भी याद है मैं थाईलैंड घूम रहा था, और मतलब मैंने 2022 जुलाई में मेरी पहली लाइव स्ट्रीम की थी, ठीक है, और वो अच्छी चल रही थी। It's just been a year you doing live. Right, एक ही साल हुआ मुझे। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या सोचा, वीडियोस डाल रहा हूँ कुछ हो रहा नहीं, लेट्स चेंज अ स्ट्रैटेजी। तो मैं वीडियोस की जगह, वैसे मैंने स्ट्रैटेजी चेंज कैसे की पता है, क्योंकि मैं आलसी था काफी। अच्छा। मैंने क्या सोचा यार ऐसे तो व्यूज आ रहे नहीं। हाँ। कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको 15 मिनट लग रहा है, फिर एडिट कर रहा हूँ उसको 15 मिनट लग रहा है, फिर अपलोड कर रहा हूँ उसको 15 मिनट लग रहा है, एक घंटा जा रहा है। एक काम करता हूँ सीधा लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लाइव बटन चालू करता हूँ, 15 मिनट बंद करता हूँ, जो होगा वो कैंडिड हो जाएगा और मेरे टाइम बचेगा। तो क्योंकि मेरा कमिटमेंट्स, मेरा कैसा है कि मैं जब घूमने जाता हूँ ना, मतलब क्या होता था यार, दोस्त आ जाते थे चलो घूमने जाते हैं, तो मेरा ऐसा होता था यार वीडियो कब बनाऊंगा मैं, तो बोलता था रुक 10 मिनट रुक मैं आता हूँ, तो मैं लाइव स्ट्रीम करके जाता था। तो मैं एक देखा कि सडन वो लाइव स्ट्रीम से ना एक पीक आया, 10 व्यूज थे तो 50 होने लगे। okay. तो मेरे को थोड़ा एक वो स्पार्क दिखा, मैं बोला चलो शुरू करते, और वहाँ पे शुरू किया। सो लेकिन कुछ इतना रिस्पांस नहीं था लाइव स्ट्रीम को भी इनिशियली, 2 जुलाई अगस्त सितंबर कुछ रिस्पांस नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार क्या ऐसा, जब शॉर्ट्स रील्स बहुत चल रहे थे, मैंने सोचा यार ऐसा क्या किया जाए जो मेरे जो स्किल्स है वो लोगों को दिखे। तो मैंने सोचा शॉर्ट्स बनाते, मतलब शॉर्ट्स रील्स का टाइम था, तो मैं शॉर्ट्स रील्स बनाना शुरू कर दिया और उसको डालना शुरू कर दिया, बट उसको भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। तो छोड़ो बल्कि हम पूरी टेंशन बड़ा सब छोड़कर मैं और विराज चले गए थाईलैंड, ठीक है, एक सोचा कि चलो ब्रेक हो जाएगा, इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हर जगह किए, ट्रेडिंग स्मूथली चल रही थी, लाइफ एकदम शॉर्ट थी, बट वो एक ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। उसके बीच में मैंने एक जॉब इंटर्नशिप भी की, कॉलेज से कंपलसरी था कि आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करनी है, बट मैंने 1 महीना ही किया, उसके बाद मैंने एक फेक सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप कर दी, कॉलेज वाले ना देखे तो वो एक अलग स्टोरी है। सो फिर थाईलैंड गया और मैं ऐसे ही बैठा था बीच पे, एकदम यू नो डिप्रेस भी नहीं, बट थिंकिंग कैलकुलेशन की कैसे क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वैसे टाइम पे ना आप खुद को एकदम खुद के बारे में बहुत सोचते हो। तो मैं ऐसे ही अकेला बैठा था, विराज होटल में था और मैं नीचे, मतलब मेरा जो होटल है उसके सामने बीच था हमारा, और मैं वो बीच के वहाँ पे आके वो जो उनका चेयर होता है वहाँ पे बैठ के, ऐसे इवनिंग का टाइम था, सनसेट का, मैं लोगों को देख रहा हूँ वहाँ पे, एकदम अमीर अमीर लोग ऐसे। सो वाज दिस फिफी आइलैंड? वाज दिस फिफी आइलैंड यू आर टॉकिंग अबाउट? द मायामी होटल? मायामी नहीं, एक्चुअली अब इबिजा बोलकर, इबिजा होटल बोलकर है। तो उसका ऐसा है कि होटल के सामने ही उसका वॉक करके बीच आ जाता है, इट्स ब्यूटीफुल, राइट। सो वहाँ पे उन्होंने एकदम ऐसे अरेंज किया लेटने का, उधर ही खाने पीने का मस्त आता है। तो वहाँ पे मैं लेट के सोच रहा था, और क्योंकि ये मेरी जो है ना, अब बोल सकते हो सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप थी, और काफी मैं एक्साइटेड था, तो मैं सोच रहा था ये सब चीज़ें। तो मेरा क्या, मेरे फ़ोन कांस्टेंट बजना शुरू किया, और पहले दिन वो बजना शुरू किया, पता नहीं थाईलैंड मेरे लिए लक्की, हर साल जाना पड़ेगा मुझे। तो कांस्टेंट मेरे पहले दिन से जो फ़ोन बजना शुरू हुआ, वो अगले 7 दिन की ट्रिप थी, 7 दिन तक रुका ही नहीं, कंटिन्यूस लोगों का अट्रैक्शन ये आने लगे, नोटिफिकेशन आने लगे। सो कांस्टेंट इतने नोटिफिकेशन आने लगे, बिकॉज मेरे जितने मैंने टिल डेट
रील्स या शॉर्ट्स डाले थे सब वायरल हो गए। अच्छा। सब पे लाखों के व्यूज आने लग गए और फिर ये यूट्यूब, फिर बाद में मैं जैसे ही आया, आई वॉज सो एक्साइटेड कि अब लाइव स्ट्रीम शुरू करने, क्योंकि उस टाइम तक लाइव स्ट्रीम बंद थी, तो फिर मैं लाइव स्ट्रीम चालू किया एंड उस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ फास्ट, मेरे को ट्रेडिंग में पता नहीं, और मतलब उस पॉइंट पे आई वॉज फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल, फास्टेस्ट आप बोल सकते हो उस टाइम नंबर वन लाइव स्ट्रीम चैनल था इंडिया। बाद में बहुत हमारे दोस्त ही है वो अभी आगे चले गए, बहुत तो खुशी है उनके लिए भी। सो ये पूरी मेरी ऐसे जर्नी थी जो बहुत लोग चाहते थे यार मैं बताऊँ। तो ये तो मेरी बात होगी। प्रसाद, अभी आपका भी जो एक्सपीरियंस है मैं बता दूँ प्रसाद के बारे में। प्रसाद जो है 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब 10 साल से इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने हार्डकोर ट्रेडिंग कुछ 6-7 साल पहले शुरू की। सो इन्होंने इंडियन मार्केट को कभी हाथ ही नहीं लगाया, मतलब इंडियन मार्केट जब भी ट्रेड करने की कोशिश की तो इनको जमा नहीं, बिकॉज इनकी शुरुआत ही ऐसे मार्केट से हुई जिसको आप बोलते हैं एकदम डेंजर, क्रिप्टो मार्केट से। और अभी ये फुल टाइम क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडर है, फंडेड अकाउंट्स है इनके पास और $1 million तक ये फंडेड अकाउंट हैंडल करते हैं और इनके ट्रेडिंग फ्लोर भी है, तो ये सब चीज़ें इनसे ही जानते हैं। तो प्रसाद, अब आपकी जर्नी बताओ। तो या अभय, सो जस्ट वी टॉक राइट, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं राइट, मेरे को लगता है हर एक ट्रेडर जो होता है एक सेम प्रोसेस से जाता है राइट। द सेम थिंग एक जो ट्रेडर होता है या एक कोई एंटरप्रेन्योर होता है राइट, ही नीड्स टू हैव दैट ड्राइव, यू नो, कि कुछ करना है, कुछ करना है, कॉन्स्टेंट जर्नी है। एज यू सेड राइट, लाइक आपका एकदम से वो जो व्यूज बढ़ने लगा राइट, इट इज़ नॉट बिकॉज यू गॉट लकी राइट। एज यू सेड, आपने 500 वीडियोज डाले, आपने इतना सारा कंटेंट डाला है इसलिए इतने सारे लोग आए। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज यू नो एक दिन आया कोई गॉट लकी और लोग इतना व्यूज आ रहे हैं, दैट इज नॉट द थिंग आई फील। ये जो आपका हार्डवर्क था उसके पीछे इसीलिए आपका एकदम से ग्रो हुआ है और मे बी यू बीन दैट यू नो द फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल एंड बट आई एम सीन यू लाइक आई नो जब भी अपन बात करते कि अभी मिलते हैं तभी मिलते हैं एंड यू टेल मी नहीं मेरा स्ट्रीम है उसके बाद मिलते हैं। सो दैट इज अ कंसिस्टेंसी विच गेव यू और ब्रॉट यू एट दिस स्टेज राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, द अर्लीस्ट थिंग वॉट आई हैव अबाउट इन्वेस्टिंग या ये सब चीज़ें राइट, तो जस्ट लाइक ऐसे यू नो जब मैं एक छोटा था, जब भी यू नो जब ऐसे मेरे लाइक मामा आते थे या कोई भी मेरे क्लोज रिलेटिव्स आते थे राइट, वो होता है हमारे फैमिली में जाके 500 दिया, 1000 दिया, तो वी गेट कुछ ना कुछ, कि कुछ ले ले, कपड़े ले ले, ये सब चीज़ें, तो एज टू कीप सम मनी। और कैसे होता है, जब स्कूल के टाइम में यू नो गणपति के टाइम में वो फन फेयर्स होते थे राइट, तो उसमें ना जहाँ पे मैंने गेम्स लगाता था 7 up 7 down राइट, तो आई थिंक जब जो 7 up 7 down था, दिस वॉज वेन आई वॉज इन 6th-7th स्टैंडर्ड राइट, तो दैट्स वेन आई गॉट टू नो कि चलो ठीक है गेम डाल देते, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो उस टाइम पे आई मेड अ गुड मनी, यू नो लाइक इट वॉज 15-20,000 रुपीज एट दैट टाइम गेम में, लाइक यू नो लोगों को आप गेम खिला रहे हो, वो गणपति का फेस्ट होता है जहाँ पे खाना मिल रहा है और एक गेम लगा रहा हो 7 up, तो इट वॉज लाइक आप गेम लगा रहे हो, वो इज वॉट ऑड्स और ये सब चीज़ें होता है, गैम्बलिंग था एक टाइप का। तो वो कैसा होता है, यू विल हैव अ 7 up 7 down ठीक है, और आपके 2 डाइस होता है राइट, एंड वेन एवर यू पुट अ डाइस राइट, तो लोग जो 7 up पे लगाया द डाइस, जिसका 7 up के ऊपर जा रहा है विल गेट द डबल द मनी, और जिसका 7 के नीचे आ रहा है आई विल हैव दैट मनी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर अंदर बाहर बोलते क्या उसे, ना इट्स नॉट अंदर बाहर, अलग हो गया। तो 7 up 7 down एंड 7 लिखा हुआ रहता है। ओके, जो जो 7 पे लगा था एग्जैक्ट 7 आया तो ट्रिपल द मनी। ओके, और अगर आप 7 up और 7 down पे लगा तो डबल द मनी। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मेरा देख रहे हो, अभी हमको समझ आ रहा है कि क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है ये सब चीजें राइट, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लाइक 1:2 राइट, मेरा दोनों तरफ से पैसा आ रहा है एंड जा रहा है एक तरफ से। तो अभी नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी बीन ट्रेडिंग, अपने को पता है कि क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है राइट, तो उससे स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा बहुत पैसा अर्न किया था, तो फिर आई हैड सेव्ड सम मनी और ऐसा सब चीज़ें हो गया। एंड आई सी माय डैड, यू नो ही इज़ बीन अ ट्रेडर और अ इन्वेस्टर सिंस 90s, तो आई यूज़ टू सी मेरे डैड रोज सुबह ना CNBC ला के देखते, इवन स्टिल ही डज दैट, एंड यू नो मैं देख रहा हूँ कि फिर एक दिन मेरे डैड को पूछा ये सब चीज़ें क्या होता है, आप क्यों इतना देखते हो, and I used to see that intense face on him, you know, जो इतना एकदम he was into totally into the TV, देख रहे लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, constantly is making call to his broker कि ये buy करो वो sell करो। मतलब मैं dad को एक बार पूछा ये सब चीज़ें क्या होता है, तो फिर dad ने थोड़ा बहुत explain किया, obviously मेरे को उस time पर इतना कुछ समझ नहीं आया, तो फिर dad was like एक RNRL stock आ रहा है, still remember that stock name, तो dad was like RNRL करके कोई एक stock आ रहा है, लोग बोल रहे हैं इट इज़ रियली गुड एंड इट्स अ रिलायंस कंपनी, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो रिलायंस हैज बीन ग्रोन ऑल दिस ईयर्स, तो डैड वॉज लाइक तेरे पास पैसा है तो दे दे, तो लाइक ठीक है मेरे पास जो भी सेव्ड अप था मैंने दे दिया।
तो इन द स्कूल व्हेन आई वाज इन यू नो फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हुआ जहाँ पे मैंने डैड को पैसा दिया एंड रेगुलरली मैं क्या करूँ, फिर मैं भी सी एन बी सी देखना चालू किया बिकॉज आई हैव पुट द मनी, यू नो दैट रश और दैट इंटरेस्ट डेवलप फ्रॉम दैट टाइम. तो फिर मैं हर 2 रुपये 1 रुपये बढ़ा तो मैं डैड को बार बार फ़ोन कर रहा हूँ कि डैड 2 रुपये बढ़ गया, 1% बढ़ गया, 2% बढ़ गया. ऑब्वियसली कुछ होता नहीं था इतना, बन वो एक एज अ किड मेरा एक डेवलप हो गया कि जहाँ पे आई एम थिंकिंग अबाउट यू नो मनी एंड ऑल दिस स्टफ, जो एक इंटरेक्शन आ रहा था और एक इंटरेस्ट आ रहा था. तो उसके बाद दैट वॉज माई फर्स्ट थिंग. फिर उसके बाद व्हेन आई केम टू कॉलेज राइट, इवन आई डिड द सेम थिंग जहाँ पे यू नो आई वाज टू फ्लिप फोन्स और ये सब चीज़ें करता कुछ ना कुछ टू मेक सम मोर पॉकेट मनी. इवन मे बी एक ऐसा बंदा हूँ कि यू नो जस्ट लाइक आई सेड राइट, लाइक यू सेड कि कहीं जा रहा था यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. अगर जा रहे हो, अगर हो नहीं रहा तो मत जाओ, अगर जाना है तो फिर सोचना नहीं है. राइट, यू नो व्हाट, जो एम्बिशियस लोग होते हैं ना या जो सक्सेसफुल लोग हम आज जानते हैं, ये लोगों की क्वालिटीज आपको बचपन से ही दिखेंगी बिकॉज ये बहुत हंग्री पीपल होते हैं. एक ड्राइव होता है राइट, बिकॉज ये किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते राइट क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ जी रही है तो ये ना कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उंगली करेंगे right. ना से पैसे निकले. निकलेगा और यहीं से वो एक ड्राइव होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई से राइट, व्हेन यू आर इनटू लाइक कहीं आप स्विम कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस यू स्विम आप बचने नहीं वाले हो. इफ यू ट्राई टू स्विम आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे राइट. जैसे तुमने भी बहुत सारी चीजें पहले ट्राई किया, मैंने भी बहुत सारी चीजें ट्राई किया, बट इंडियन मेरे को लगा कि यार ट्रेडिंग में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है राइट. तो व्हेन आई कम टू दैट राइट, व्हेन मैं कॉलेज में था राइट, एंड एज यू नो मेरे डैड इज बीन इनटू इन्वेस्टिंग एंड ऑल स्टफ, उनका भी बहुत इंटरेस्ट है यू नो, ही इज इनटू टोटली इनटू दैट. तो फिर एक दिन मेरे डैड ने मेरे को बोला कि बिटकॉइन करके कोई चीज़ है जो मार्केट में बहुत लोग बात कर रहे हैं, एक बार तो स्टडी कर ले. ऑब्वियसली कैसा होता है, वी बीइंग अ किड वी नो इंटरनेट और ये सब चीज़ें, ही डज नॉट हैव दैट ऑल थिंग. ही इज टू कॉन्स्टेंटली वीडियोज देखते रहते यूट्यूब पे फॉर श्योर, बट ही वॉन्ट्स दैट थिंग कि प्रसाद बोलेगा तो मैं करूँगा बिकॉज ही नोज कि ये थोड़ा बहुत चीज़ें देख के करेगा और ये सब चीज़ें. तो फिर हम लोग फिर डिस्कस किया, वाज लाइक डैड ऑब्वियसली बहुत अच्छा चीज़ है. तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से वो सब चीज़ें, एंड द फर्स्ट टाइम वी बॉट बिटकॉइन वॉज ऑन अराउंड $600 यू नो, अभी तो इट्स ऑलमोस्ट $40,000-$50,000 एंड यू सीन गोइंग अप टू $70,000. तो उससे मेरा चीज़ें स्टार्ट हो गया. वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन टू क्रिप्टोज स्टार्टिंग में, जो डैड का जो भी पैसा होता था. ऑब्वियसली मेरे पास इतना पैसा नहीं होता, तो डैड इज टू गिव द मनी टू इन्वेस्ट कि ठीक है इतना पैसा इसमें डाल उसमें डाल. तो उस चीज़ से मेरे को क्या हो गया, वैन आई वॉज डूइंग रिसर्च राइट अबाउट द क्रिप्टोज, तो मेरे को ट्विटर पे पता चला देर आर ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग मार्केट्स जहाँ पे जो वोलेटिलिटीज होते हैं राइट, ये वोलेटिलिटीज से उनका और फायदा कर रहे हैं बाय पुटिंग मोर मनी एंड गेटिंग दैट जो भी छोटा बहुत यू नो वोलेटिलिटी होता है ऊपर नीचे होता है उस चीज़ पे वो लोग फायदा कर रहे हैं. एंड देन आई वॉज लाइक, जब मैं स्टार्ट किया ऑब्वियसली कुछ पता नहीं था, चुप कुछ भी बाय करो कुछ भी सेल करो, उसी से मैंने भी बहुत सारा लॉसेस भी किया. बट फिर बाद में मेरे को पता चला कि जो इसका पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है. इट इज़ बेटर देन एनी अदर करियर, ऑब्वियसली यू नो दैट राइट. ट्रेडिंग इज दैट थिंग जहाँ पे आपको कम पैसे से यू कैन मेक गुड मनी, बट यू नीड टू हैव दैट स्किल. स्किल नहीं रहा तो ऐसा नहीं होगा कि बस आप मार्केट में जा रहे हो, ले रहे हो, बेच रहे हो, इट्स नॉट गोना मेक यू मनी. बेस्ट पार्ट उसका ये ना कि जो हम बोलते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम देखो, अगर एक जो आदमी अपना दुकान लगा रहा है और बहुत पैसे कमा रहा है, उसका बहुत धंधा चल रहा है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है. क्यों बता दो? क्योंकि वो पैसे कमा रहा है, लेकिन उसको अपनी दुकान छोड़कर कहीं और जाने को मौका ही नहीं मिलता. सेम राइट. एंड और अगर हम दूसरे की बात करें, अगर एक बंदा जो आप मान लो बहुत फ्री है, जैसे उसके कोई टूरिस्ट कंपनी में काम करता है या कहीं ऐसी कंपनी जहाँ पे वो ट्रैवल कर सकता है लेकिन वहाँ पे, या जॉब करता है फॉर एग्जांपल, जॉब में आपको 9 to 5 काम करते हो, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन आप देखोगे उसके पास पैसे नहीं है, छुट्टी रह के भी वो यूटिलाइज नहीं कर सकता. लेकिन एक ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप पैसे भी कमा सकते हो और आप रिमोटली कहीं से भी काम कर सकते हो, मन करे ट्रेड करो. एक कुछ कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो आप एक दिन लोगे तो आपके पूरे एक महीने का वो गोल हिट कर देगा और आप फिर काम करने की भी जरूरत नहीं. सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट ट्रेडिंग. या सो जस्ट लाइक यू सेड राइट, लोगों के जब आप दुकान की बात करते हो राइट, सो इवन वी बीन इनटू बिजनेस, मेरा पूरा फैमिली बिजनेस में ही है. सो दैट इज द रीजन आई वांटेड टू डिफरेंट. सी मेरे को लगता है ट्रेडिंग या ये दुकान जो अपन बात करें, देर इज नो डिफरेंस राइट. ऑब्वियसली अपने पास फ्रीडम है टू डू इट, वर्क इट एनी वेयर, यू जस्ट नीड अ इंटरनेट. बट द थिंग कैसा होता बताया, व्हेन वी वर अ किड राइट, तो माय डैड इज टू से कि जाके दुकान पे बैठो राइट, जस्ट टू नो थिंग्स. व्हाई इज टू से दैट कि यार आपका कभी दुकान है या कुछ भी है राइट, अगर मैं अभी जाके बैठ रहा हूँ तो आई डोंट नो कि दुकान में क्या चीज़ें चलती है क्या चीज़ें नहीं चलती है. नाउ आई गेट टू नो कि यार डैड इसीलिए बोलते थे कि वंस यू सिट इन द दुकान और वॉट एवर द प्लेस यू हैव, नो मैटर वॉट बिजनेस यू हैव,
जब आप बैठोगे तब भी आपको चीजें समझ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं जस्ट दुकान में जा रहा हूँ, चीजें चुप हर चीज मंगा रहा हूँ। आई नीड टू नो क्या बिकने वाला क्या नहीं बिकने वाला, राइट? अगर मैं कोई चीज इतना क्वांटिटी में मंगा रहा हूँ जो कि उसका रिक्वायरमेंट पूरे साल में 10 ही क्वांटिटी है और मैं 100 क्वांटिटी मंगा रहा हूँ, राइट, मेरा कैपिटल उधर फंस भी रहा है एंड प्लस आई एम नॉट मेकिंग मनी थ्रू इट, राइट? तो ट्रेडिंग में मैं क्या अच्छा है इज यू नो व्हेन यू ट्रेड व्हाट एवर इट इज जो कि आपके सामने होने वाला है, राइट? ऑब्वियसली आपके जब वो रिसर्च होगा या फिर आपके पास वो नॉलेज होगा तब भी व्हेन यू स्पेंड अ गुड टाइम इन द मार्केट वो आपके पास एक मैच्योरिटी आती है, राइट? जैसे हम लोग भी दुकान की एक्सप्लेनेशन देते हैं तो मार्केट्स में भी ऐसे ही, आप जितना लंबा रहोगे मार्केट्स में उतना अच्छा आपको चीज़ें समझ आएगी एंड एवरी मिस्टेक्स इन द मार्केट विल कॉस्ट यू मनी, राइट? तो दैट थिंग जो है मार्केट में, राइट, दैट विल बिल्ड यू बेटर एंड बेटर विथ टाइम। तो इसलिए मैं लोगों को मैं वही सजेस्ट करता हूँ जब भी वेन एवर समवन न्यू कम्स टू मी एंड आस्क मी ये सब चीज़ें, राइट, मैं उनको बोलता हूँ कि स्टार्ट एज लो एज पॉसिबल, जस्ट स्टार्ट इट अर्ली, यू नो। तो ये सीजन स्टार्ट होता है, मेरा भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हो गया। मैं क्रिप्टो से स्टार्ट किया, क्रिप्टो स्टार्ट करने के बाद एक टाइम आया जहाँ पे यू नो एक 6 मंथ्स का स्लैग था, राइट? ऑब्वियसली एज अ ट्रेडर्स वी नो अगर स्लैग है या कोई कंसोलिडेशन मार्केट है यू कैनॉट मेक मनी। तो उस टाइम पे मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था यार, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एंड इफ आई एम नॉट मेकिंग मनी तो हाउ विल आई स्पेंड एंड ऑल डू ऑल द स्टफ। तो फिर उसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट फॉरेक्स, राइट? द थिंग लाइक एज यू सेड, राइट, मैं व्हाई आई डिड नॉट गो टू द इंडियन मार्केट इज बिकॉज इंडियन मार्केट वॉलिटिलिटी ज्यादा नहीं है। वेन यू सी 1-2% ऊपर नीचे हो रहा है, आई हैड द नॉलेज ऑफ इंडियन मार्केट बट मेरा स्टार्ट हुआ ही क्रिप्टो से। बट आई वॉज यूज टू दैट यू नो जो वॉलिटिलिटी होती है 15%, 20%, तो मेरा वो ड्राइव था कि मेरे को वॉलिटिलिटी चाहिए मार्केट में तब भी मेरे को मजा आएगा। मैं एक 10-15 दिन मैंने इंडियन मार्केट भी ट्रेड किया बट वो जो है ना चार्ट्स में जो ये होता है गैप अप्स गैप डाउन ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रही थी। प्लस यू नो ऑप्शंस में भी जो होता है इन द मनी आउट द मनी मेरे को बहुत चीज़ें कन्फ्यूज हो रही थी। दस लाइक यार मेरे को क्रिप्टो पता है एंड मेरे को ट्रेडिंग आता है तो आई डू वन थिंग, आई हैव सीन मेनी पीपल यू नो जहाँ पे दे वर मेकिंग गुड मनी। सो देर इज अ माई मेंटर जो जिससे मैं जो सीखता हूँ और सब चीज़ें, राइट? तो देर इज अ गाय हु कॉल राजा बैंक्स, राइट? आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम हिम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई यूज टू सी दैट गाय मेकिंग $10,000-$15,000 अ डे एंड ही यूज टू ट्रेड ओनली 3 आवर्स अ डे, राइट? तो मैं बोला अगर ये बंदा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? तो फिर मैंने क्या किया, तो ही यूज टू डू इवन ही यूज टू डू द लाइव स्ट्रीम्स। तो मैंने बोला कि यार इफ अगर मेरे को ये चीज़ जानना है तो मैं उसके लाइव स्ट्रीम में डेली लाइव ट्यून होता था एंड टू जस्ट टू नो, क्योंकि मेरे को मार्केट्स का नॉलेज पता था, कैंडल स्टिक के बारे में पता था, मेरे स्ट्रैटेजी सब पता था, बट जस्ट टू नो हाउ अ फोरेक्स मार्केट बिहेव्स, राइट? जस्ट लाइक व्हेन वी से अबाउट दिस मार्केट्स, राइट, क्रिप्टो मार्केट या इंडियन मार्केट या स्टॉक मार्केट, इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ सेम होता है बट बिहेवियर अलग होता है, राइट? जस्ट लाइक इफ वी बोथ आर सिटिंग, राइट, हम दोनों का बिहेवियर अलग है बट इफ वी स्पेंड मोर टाइम विथ ईच अदर विल गेट टू नो ईच अदर जस्ट बाय लुकिंग एट आवर फेस, शक्ल देख के अपने को पता चलेगा कि भाई इसका क्या मूड है, राइट? तो वैसे ही आप जब मार्केट्स में भी रहते हो आप जितना टाइम स्पेंड करते हो ना तो चार्ट देख के आपको पता चलेगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, आज मार्केट कंसोलिडेट हो गया, ये न्यूज़ कैसे बिहेव करेगा, वो न्यूज़ कैसे बिहेव करेगा। सो दिस इज हाउ इट गोज, राइट? सो बहुत अच्छा ये बात बोले कि आप मतलब जैसे क्रिप्टो में थे, लाइक वो ऐसी बात हुई ना कि आप फरारी चला रहे हो और वहां से आप एक ह्युंडई में आ गए, right, मार्केट जो इतना स्लो हो गया, स्लो रहते वो है। सो मैंने भी जब देखा ना कि अभी जैसे फॉरेक्स मार्केट में देख रहा हूँ बहुत टाइम से, तो जब एक मैंने मतलब क्योंकि मैं तीनों मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ अभी, तीनों की भी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, तीनों में एक्टिवली पूरे टाइम रहता हूँ, तो क्या होता है ना वो वॉलीटिलिटी की आदत पड़ जाती है कि आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, एक तो रहता ही 6 घंटा ऊपर, राइट, उसमें आपको क्योंकि कुछ दिन ट्रेंडिंग मिल जाते हैं तो यू मेक गुड मनी, जहाँ पे आपके ऑप्शंस 5-6 गुना एकदम मल्टीप्लाई हो, वो बहुत वॉलेटाइल बट वो बहुत कम है, उसका जो ऑक्यूरेंस है वो काफी कम है। ओके, बट आप जब फॉरेक्स ट्रेड करते हो, जब गोल्ड को देखते हो या जब क्रिप्टो ट्रेड करते हो, जो 10-10% ऊपर नीचे होता है 24 घंटा ओपन होता है, रात को 1 बजे अपन मस्त बैठे और क्रिप्टो मार्केट में कुछ आ गया सडन वॉलीटिलिटी और वो 5% अप मूव कर दिया। सो ये वॉलीटिलिटी के जब यूज टू होते हैं ना तो वो इंडियन मार्केट में फिर आप समझ सकते हो क्या किस मजा नहीं आता है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के फिर व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन मार्केट्स, राइट, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग दे आर शिफ्टिंग टू फोरेक्स और क्रिप्टो, राइट? व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग, लाइक क्यों ऐसे सब चीज़ें हो रही है कि लोग इस पर स्विच हो रहे हैं? सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को क्या लग रहा है कि ऑप्शन सेलिंग में जो एक
साइडवेज मार्केट में आप हेज करके प्रॉफिट्स बना सकते थे, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट 70-80% टाइम साइडवेज रहता है. सो वहाँ पे लेवरेज हटा दिया. सो उससे क्या हो गया कि एक लॉट आपको 1.5 लाख पे करना पड़ रहा है, और एक लॉट पे आप 500 रुपये 1,000-2,000 बना सकते हो. तो रिस्क जो ROI बन रहा है वो फिजिबल नहीं है. उसके बाद सब लोग ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो गए. ऑप्शन बाइंग में आप एक लॉट खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल 5-6 हज़ार रुपये में, तो उसका जो प्रॉब्लम क्या आता है, आपको थीटा डीके फेस करने मिल रहा है. आप साइडवेज मार्केट में हो, आपका बड़ा जो मोमेंटम होता है वो गैप अप गैप डाउन की वजह से खत्म हो रहा है, और आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है उस टाइम में ट्रेज अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए. और अगर आपको मिल भी जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीमियम ही नहीं बढ़ेंगे. अच्छा। और जिस टाइम आपके फेवर में जाएगा थीटा डीके आपका लॉस करा के जाएगा. सो ये लोग परेशान हो चुके हैं. लोगों को क्या चाहिए, वॉलिटिलिटी, लेवरेज और एक फ्रीडम की आप उसको 24 आवर ट्रेड कर सको. राइट, ये लोगों को चाहिए. एंड टैक्सेशन भी बहुत सारा है बिना सी की, लाइक आई हैव सीन सम पीपल हु आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट टैक्सेशन आल्सो, कि हर एक आप ऑर्डर कर रहे हो इसका ये वाला टैक्स, ये वो, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द टैक्सेस, कि बहुत सारी चीजें कट होती है जहाँ पे आपके प्रॉफिट से ही पैसा बहुत जा रहा है. राइट, आपको 1-2% और ज्यादा बना रहा है जस्ट टू पे दिस टैक्सेस, ऐसा भी है. सो इसका कैसा है ना कि इंडिया में जितने चार्जेस और टैक्सेस है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है. बिकॉज आप जब एक ऑर्डर प्लेस करते हो ना, ब्रोकर से लेकर टैक्सेस इतने टाइप्स के होते हैं, GST मान लो, STT मान लो, सेबी चार्जेस मान लो, इतने टाइप के चार्जेस होते हैं. अब मैं आपको ना एक नंबर बताता हूँ, ठीक है. सो नंबर्स की बात करते हैं. सो मान लो आप इस साल आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, तो आपको सबसे पहले 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा. राइट, उसके बाद आपको उस पे GST भी देना पड़ेगा. राइट, उसके बाद आपको इतने सारे जो चार्जेस एंड ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ता है वो सब देना पड़ेगा. और इतना सब कट करके मे बी आपके पास ईयर एंड पे 60-70 लाख बचे, मतलब प्रॉफिट का 50-60% ही बच रहा है. राइट. अब अगले साल आप 1 करोड़ का लॉस करते हो. राइट, आपको तो ब्रेक इवन पे होना चाहिए, क्योंकि आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, 1 करोड़ का लॉस किया, तो आप नेट टू नेट हो गए. बट आप देखोगे अगले साल पूरे 1 करोड़ चले गए आपके, प्लस उस पे आप ब्रोकरेजेस चार्जेस ये सब ऐड कर लो, तो 2 साल में अगर आपने सेम अमाउंट का प्रॉफिट और सेम अमाउंट का लॉस किया, आप इन द एंड बहुत बड़े लॉस में रहने वाले हो, बिकॉज यू आर पेइंग एवरीथिंग. सो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेक्स, अब फॉरेक्स में क्या होता है, लोग पैसे बना रहे, और जब उनका देखो, अब अगर आप टैक्स लैब के अंदर आते हो तो आपको वहाँ पे टैक्स पे करना नहीं पड़ता. बट अगर आप बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हो, तो मेजोरिटी ऑफ लोग क्या कर रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, और वहाँ पे उसके प्रॉफिट्स उस बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें लोग, जस्ट लाइक यू सेड, राइट, मैं इसीलिए आई शिफ्टेड टू फंडिंग प्रोग्राम्स. राइट, जैसे अपन आप बात किया ना, अगर ये साल अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप 1 करोड़ गवा रहे हो, तो आपके अकाउंट से ही जा रहे हैं. राइट, तो इसीलिए आई गो टू दिस फंडिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि लेट्स सपोज इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन $1,00,000, राइट, तो उसमें कैसा होता है कि यू गेट अ 10% ड्रॉडाउन, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% लॉस कर सकते हो. राइट, इवन इफ यू मेक अ लॉस, राइट, यू डोंट हैव टू आंसर एनीवन. आपको फिर से एक फेज होता है जहाँ पे लाइक एक फंडिंग प्रोग्राम क्लियर करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू 2 फेजेस. एक फेज वन में क्या होता है, यू हैव टू मेक 8% ऑफ द अमाउंट. फेज टू में होता है यू हैव टू मेक 5% ऑफ द अमाउंट, जो भी आप लेते हो. लाइक दे स्टार्ट विथ $5,000 ऑल्सो, $10,000, यू कैन गो मैक्स अप टू 600K एक कोई भी कंपनी से, मैक्स आप इतना ले सकते हो. राइट, तो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ 100K. राइट, अगर मैं कोई 100K के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली फंडिंग ग्रोअर्स उन्हीं लोगों के लिए जो ट्रेडिंग पता है एंड हु हैज बीन इनटू मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कोई भी नया बंदा आके कर रहा है, आई वुड नॉट सजेस्ट देम टू डू दिस थिंग, कि अंटिल अनलेस यू नो मार्केट और ये सब चीजें उनके लिए है ही नहीं. जो आप 2-3 साल से रहे हो, तब आप इस चीज पे जा सकते हो. एग्जैक्टली, फंडिंग प्रोग्राम की अपने बात की तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर, बिकॉज फंडिंग प्रोग्राम पास करने की भी आई गेस 5% ही सक्सेस रेट है. Right. उसके चैलेंजेस भी टफ होते हैं. राइट, बट जिसको ट्रेडिंग आती है उसके लिए तो बहुत सही है, सबसे बेस्ट. दैट्स लाइक व्हाट आई एम सेइंग. राइट, जब अपन 100K का अगर एग्जाम्पल ले, राइट, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10% लॉस कर सकते हो. अब आप समझो कि लाइक वी बोथ आर अ ट्रेडर. राइट, अगर हम दोनों है ना $1,00,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम डूइंग अ फंडिंग प्रोग्राम एंड यू आर ट्रेडिंग विथ योर ओन $1,00,000 अकाउंट. राइट, सो लेट्स सपोज फर्स्ट मंथ में वी बोथ मेड $10,000. राइट, सेकेंड मंथ में वी बोथ मेड $10,000, वी आर अप $20,000. राइट, तो लेट्स सपोज थर्ड मंथ में वी बोथ लॉस्ट 10%. राइट, सो यू आर बैक टू वॉट $10,000 प्रॉफिट, आई एम अप विथ $20,000 प्रॉफिट. राइट, मेरा 10,000 लॉस करने का मेरा अकाउंट गया. ओके, आई हैव टू रीअप्लाई
फिर से मेरे को फेज वन क्लियर करना पड़ेगा, फेज टू क्लियर करना. बट इफ यू थिंक द मनी आई हैव मेड इज $20,000 एंड यू हैव मेड ओनली $10,000 प्लस, वो एक माइंडसेट जो होता है, एक लॉस का जो जर्नी होता है, फिर से उसको ऊपर लेके आओ, एक माइंडसेट चेंज होना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है. एक ट्रेडर के लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. फिर आपको उतना ही टाइम जाने वाला, अगर समझो कि आप $10,000 लॉस किए, टेन जो भी है, राइट, मैं उसी टाइम पे फिर से मैं अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ, राइट. यू आर बैक टू $20,000, आई एम अप टू $40,000. तो ये आप डिफरेंस देख रहे हो कितना आता है. मैं ज़्यादा पैसा बना रहा हूँ बाय जस्ट डूइंग दिस फंडिंग प्रोग्राम, जहाँ पे मेरा पैसा भी बहुत कम लग रहा है. सो लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग अ $100,000 का अकाउंट, विच इज $100,000, तो उसके लिए मेरे को पे करना पड़ता है समवेयर अराउंड $500. $500 इज समवेयर अराउंड ₹40,000. ₹40,000 आप जब भी फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो, राइट, उस पर आप जैसे ही फेज वन फेज टू क्लियर करते हो, जब आपका फर्स्ट पे आउट आता है, राइट, तब आपको वो पैसा जो आप पे कर रहे हो वो भी रिफंड आ जाता है, राइट. तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर अगर देख रहे हो, जहाँ पे मैं पुटिंग आई एम थिंकिंग दिस थिंग एज अ $500 का मैं कोई एक ट्रेड ले रहा हूँ टू क्लियर द चैलेंज. अगर मैं चैलेंज क्लियर करूंगा एंड इफ आई मेक 5%, एज यू नो 5-10% तो आप बना सकते हो, 2-3% जो भी हो, राइट. इफ यू आर मेकिंग 5% ऑन 100K, यू आर मेकिंग $5,000. अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हो, मैंने इन्वेस्ट किया $500 और मैं बना रहा हूँ $5,000, राइट. सो बेसिकली आपने क्या किया, $500 चैलेंज को दिए, वो पास हो गए और फिर आपको 100K का अकाउंट मिला जिसपे आप 5-10% बना लिया, राइट. बट अब मेरे पास क्या हुआ, ये बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, बहुत सारे लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इसमें ये बताता हूँ. अब जब लोग स्टार्ट करते हैं ना, उनको क्या लगता है कि वो लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं है, और उन्हें लगता है कि फंडिंग प्रोग्राम मिलने के बाद वो आराम से लाखों करोड़ों में बहुत पैसे बना लेंगे. बट उनको ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको फंडिंग अकाउंट लेने के लिए आपको $500, विच इज़ ऑलमोस्ट ₹40,000 पे करने पड़ते हैं, जिससे मे बी अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो वो ₹40,000 से, टू अंडरस्टैंड रादर देन वो चैलेंज लेकर लॉस हारने से, राइट, अच्छा, राइट. और अगर आप मान लो चैलेंज पास भी कर लो, तो वो जो 100K का साइकोलॉजी है चलाने का, बिकॉज आपने कभी 100K देखा ही नहीं है, राइट. उस 100K की साइकोलॉजी, उस पर जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉट साइज हो रहे हैं, वो मेंटेन करने के लिए भी अलग चाहिए. सो मुझे लगता है जिसका एक्सपीरियंस एक मार्केट में बहुत सालों का हो, जिसने एटलीस्ट वो फंडेड अकाउंट का 20-30% तो के साथ पर्सनल अकाउंट से डिफरेंस बात करते हैं, राइट. अगर समझो कि कोई एक बंदा 40,000 खुद का अकाउंट अप्लाई कर, अभी ऑब्वियसली आपको पता है कि आप डेमो अकाउंट भी बना सकते हो, आपको सीखना है तो डेमो अकाउंट से स्टार्ट करो. ऑब्वियसली आपको पता है डेमो अकाउंट का साइकोलॉजी और रियल अकाउंट का साइकोलॉजी बहुत डिफरेंस है. जब आपको लगेगा कि भाई मैं ऑलरेडी 5-10% बना रहा हूँ, नाउ आई कैन ट्रेड विद द रियल मनी, तो आपके खुद के पैसे से स्टार्ट करो टू फील दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या अप डाउन हो रहा है, जो लॉट साइजेस होते हैं वो चीज़, राइट. जस्ट लाइक यू सेड, वो बहुत सही आपने बात किया कि एकदम से 100K जाना, जिनको उनको पता ही नहीं 100 क्या होता है, 100K क्या होता है, इतना पैसा कभी आया ही नहीं है, कभी देखा नहीं हुआ, जो भी प्रॉफिट बना, तो एक साइकोलॉजी और ये जो मैंटेलिटी होती है ना, बहुत चेंज होता है. तो इसके लिए ना मैं मेरे स्टूडेंट्स को या जो भी मेरे के साथ सीखता है, मैं उनको एक एनोलॉजी देता हूँ, राइट. तो लेट्स सपोज इफ यू गो टू अ जिम ऑन द फर्स्ट डे, जो भी आपका ये रहेगा, यू विल स्टार्ट विद 10-15 kg, राइट, जो भी होगा 5 kg, 10 kg, उससे आप स्टार्ट करोगे. बट आप डाउन द लाइन व्हेन यू गो टू 6-7 months, दैट्स व्हेन यू कैन स्विच टू 30 kg, 40 kg, राइट. आप एकदम से कल मैं जाऊंगा और मैं 50 kg उठा नहीं पाऊंगा, राइट. इट्स द सेम थिंग व्हेन यू आर ट्रेडिंग मार्केट्स, राइट. लॉट साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड ट्रेड ऑन 10 lots, 100 lots, or 50 lots. आपको स्टार्ट करना पड़ेगा छोटे से ही. जब आपको वो इजी होने लगेगा, ऑब्वियसली अपन वेट्स कब ऊपर लेके जाते हैं, जब वो 10-15 kg अपने इजी होगा, देन वी गो टू, चलो ठीक है आज मैं 17 kg से जाऊंगा, आज 18 kg से. तो ये प्रोसेस लोगों को फॉलो करना चाहिए. आप अगर डायरेक्टली 50 kg पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा हाथ खराब हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ वेरेंटर आ ही जाएगा. तो दैट्स हाउ पीपल शुड गो, मेरे को ऐसा लगता है, राइट. अपनी ट्रेडिंग की तो अपन बहुत डीप में चले गए, बहुत सारे जो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनके सर के ऊपर से जा रहा होगा. सो अपन है ना थोड़ा एक ये डिस्कशन करते हैं कि आप अभी इंडिया के बाहर कितने कंट्रीज में गए हो. मैं अभी तो मैं रिसेंटली मेरा बर्थडे था तो आई वेंट टू थाईलैंड. तो एज यू सेड थाईलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है. बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं वहाँ पे, एज वी स्पोक अबाउट इबिजा, लाइक इवन मैं वहाँ पे भी रहा हूँ. आई एम सीन पीपल, यू नो, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, एंड हैव सीन लाइक आजकल इतना ट्रेडिंग इतना इजी हो गया है, एंड पीपल हैव दैट नॉलेज एंड दे बीन ट्रेडिंग ऑल थ्रू
मैं जब भी ऐसे देखा गया हूँ ना, एक दो कैफेज में मैं लोगों को देख रहा हूँ एंड दे आर यूजिंग दैट बाइनेंस चालू है कंटिन्यूसली एंड वो चार्ट्स देख रहे हैं लोग आते जाते, उनके पोजीशंस देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो आई हैव सीन दिस एंड मेरे को क्या लगता है कि आई टेक अ लॉट ऑफ वेकेशंस. मैं बहुत रेगुलरली यहाँ वहाँ जाता हूँ. जब भी व्हेनेवर आई मेक अ गुड मनी आई जस्ट गो फॉर थ्री फ्यू डेज एंड कम बैक. मेरा बेस्ट प्लेस हैज बीन गोवा. मैं गोवा इतना रेगुलर जाता हूँ कि एक आध बार ऐसे कोई फेज हो गया मेड अ गुड मनी, मेरे को लगता है कि एक वेकेशन लेके आना चाहिए. बिकॉज अ वेकेशन ब्रिंग्स पेशेंस इन योर ट्रेडिंग. यू नो, आप जितना बहुत ट्रेडिंग में रहोगे, पैसा बनाना दैट गोज इनटू सम अदर पार्ट. आपने अच्छा खासा पैसा बना, तुमको लगता है यू हैव मेड अ गुड मनी, देन एनी अदर मंथ्स जस्ट टेक अ हॉलीडे 10-15 डेज जो भी आपको लेना, जस्ट कम बैक इन द फ्रेश माइंड. एक्चुअली मेरे को वही लगता है कि देखो, आप जब एक बहुत बड़ा पैसा बना रहे हो या बहुत बड़ा पैसा गवा रहे हो तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे आते हो, और उस टाइम बहुत जरूरी है कि आप एक ब्रेक लो और जाओ कहीं. तो मेरे साथ भी वही, जब मैं थाईलैंड में गया ना, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ बाइनेंस खोल के अपना ट्रेड चल रहा है. ये मतलब मैं एक रेवोल्यूशन देख रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है, जैसे जैसे स्मार्ट होते जा रहा है, जैसे जैसे टेक फ्रेंडली होते जा रहा है, आप देख सकते हो सारे लोग अपने पैसा जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आ चुके हैं. बट आपने ये चीज़ क्या डिफरेंस देखा कि बाहर के ट्रेडर्स और इंडिया के लोगों में या इंडियन ट्रेडर्स में? सी, मेरे को क्या लगता है इस चीज़ पे, जब अगर अपन डिस्कस करेंगे, राइट, अ ट्रेडर इज अ ट्रेडर. इट डजेंट मैटर आप कहाँ से हो भी, क्या भी हो, राइट. इट इज जस्ट द टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट, राइट. कोई बाहर का ट्रेडर हो, अभी लेट्स सपोज हम लोग, इफ यू बोथ आर ट्रेडिंग गोल्ड, राइट, हम लोग एक ही चार्ट देख रहे हैं. ऐसा नहीं कि मेरे को गोल्ड का अलग चार्ट दिख रहा है या आपको गोल्ड का अलग चार्ट दिख रहा है. बट अगर मैं आपके साथ, अगर मैं गोल्ड पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, आई विल हैव अ बेटर एनालिसिस ऑफ द गोल्ड. अगर लेट्स सपोज अगर मैं कल से मैं इंडियन मार्केट ट्रेड करूंगा, तो मेरे को ऑब्वियसली आई कैन नॉट ट्रेड एज वेल एज यू, राइट. इफ यू आर कमिंग टू गोल्ड और इफ यू बीन ट्रेडिंग गोल्ड फ्रॉम 2-3 मंथ्स, यू कैन नॉट ट्रेड एज गुड एज मी, राइट. तो एक जो टाइम स्पेंड होता है, राइट, इट डजेंट मैटर कि एक लैंग्वेज है, ट्रेडिंग इज एन लैंग्वेज. आप जितना बात करोगे, जितना ये करोगे, वो ग्रामर करेक्ट होते रहेगा. तो उस चीज़ देखने में मेरे को ऐसा लगता है यार. मैंने पता है एक चीज़ देखी कि मैं बाहर जब लोगों को देखता हूँ, वहाँ पे वो मिलियन डॉलर्स में कमा रहा है और एकदम चिल कर रहा है पूल साइड, और वो डिफरेंस है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता. मतलब एक चीज़, मतलब वो लोग मे बी 50 करोड़ अपने, मतलब जब मैं एक ट्रेडर को देखा वो पूल के साइड पार्टी कर रहा है, उसका 100K का एक ट्रेड ओपन है बिटकॉइन का, और वो चिल मार रहा है, मस्त ऐसे लड़कियों के साथ नाच रहा है, ये कर रहा है. बट इंडिया में पता है आपको क्या होता है कि 10,000 रुपये कमा लिए, ठीक है, सबसे पहले एक सोने की चेन आएगी, ठीक है, उसके ऊपर रील आएगी, मोटी चेन, मोटा पैसा, दिखा दो कोई मेरे जैसा. मतलब लोगों की जो सोच है ना, वो मतलब वो लिमिट उधर ही लिमिट हो गया. लोग इतना कम सोच रहे हैं, मतलब वो इतने छोटे जोन में आ चुके हैं. अगर आप लड़कियां देखोगे ना, तो ट्रेन में जाके टिकटॉक पे डांस कर रही है और ये कर रही है. और पता है अभी इंटरनेट का ऐसा जमाना है कि पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो गया, और आप जो भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो, आपको पूरी दुनिया देख रही है. और पता है मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि जब हम, क्योंकि बाहर जाते हैं तो हम हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडिया को एक अलग ही वे से देखा जा रहा है, मतलब एक नीचे के वे से, क्योंकि हम ऐसा चीज़ दिखा रहे हैं जो कि मे बी हम यहाँ पर भी ना करें. बट लोगों को ये समझना चाहिए कि यार हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या जो भी हम समझो थोड़े पैसे भी कमा रहे, तो हमें, हमारा गोल बहुत बड़ा होना चाहिए, हमारा मिलियन डॉलर्स में होना चाहिए, ताकि बाहर के लोगों पे जाके टक्कर दे कि हम किसी से कम नहीं. राइट. सी, मेरे को यही चीज़ लगता है कि यू जस्ट हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट. ऑब्वियसली जब वैन यू आर सेइंग, राइट, जो बाहर के लोग होते हैं उनका अकाउंट बहुत बड़े थे, दैट इज बिकॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम. कि हमारा जो, आप अगर एक देखते हो, एक कोई एक इंजीनियर है, उसका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 to 50,000 स्टार्ट होता है. बट इफ़ यू सी एनी गाय हु इज़ फ्रॉम US और सब, राइट, उनका सैलरी स्टार्ट होता है 70,000 से, राइट. उनका सेव अप अमाउंट भी ज्यादा है, बिकॉज द पर कैपिटा इनकम ऑफ देम इज हायर, राइट. बट डोंट यू थिंक कि वहाँ का एक्सपेंस भी उतना है? बिकॉज जब मैं वहाँ पे गया, तो एवरीथिंग, मतलब उनकी जितना इनकम है, एक्सपेंस भी उतना है, लिविंग कॉस्ट भी वहाँ पे $2,000 का रेंट जाता है. तो वो तो चीज है ही ना. अभी कैसा होता है, सी, देयर इज अ कोट व्हिच आई लव, राइट. सो दे से टू मेक $100 to $110 इज अ वर्क, ओके, एंड टू मेक 100 million into 110 million इज इनएविटेबल, राइट. तो इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देंगे, अगर आप समझो कि आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हो, राइट, इन दिस डेज इन इंडिया 1,00,000 कमा सब लोग कमा रहे हो ऑलमोस्ट, जो कि बीन इन टू, यू नो, कोई भी एक फील्ड में रहे होंगे, 4-5 साल निकाला, उनका सैलरी 1,00,000 तो है इजिली. अगर आप देखोगे,
उनका 1 लाख जो वो लोग कमा रहे हैं उनमें से 70-80,000 उनका जा ही रहा है, इधर ईएमआई जा रहा है, इधर रेंट जा रहा है, ये वो चीज़ है। यू विल सी दे आर सेविंग ओनली 30,000 रुपीज ऑफ वट एवर अमाउंट आर दे मेकिंग। तो मेरे को क्या लगता है, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, एंड वो चीज़ें कंपाउंडिंग तो होते रहेगी, राइट? वो अमाउंट तो आगे जाके बढ़ने ही वाला है, ऑब्वियसली वो डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत, इफ़ यू स्टार्ट अर्ली डाउन द लाइन व्हेन यू गो टू 30-31 आपके पास एक बड़ा अमाउंट आएगा, राइट? जहाँ पे यू आर स्टार्टिंग इट गुड, तो ये चीज़ें हो जाएगा जहाँ पे तो चीज़ें चलती रहेगी, राइट? और पता है मैंने एक चीज़ देखी है कि इंडिया है ना एक कंट्री नहीं लगती मुझे, बल्कि इंडिया के अंदर 29 अलग कंट्रीज लगते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि अभी अपन में इतना कम्युनलिज्म हो रहा है कि एक मतलब जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो सिर्फ महाराष्ट्रियंस के लिए एक यू नो ओपननेस दिखा रहे हैं, गुजराती लोग सिर्फ गुजराती कम्युनिटी में ओपननेस दिखा रहे हैं, बट जबकि हम जब एक इंडिया में तो हमारा जो फोकस होना चाहिए टू कम्पीट अदर कंट्रीज, बिकॉज अगर आप देखोगे चाइना हमारा जो नेबर है, आपको देख चाइना का जो जीडीपी था 1975 तक हमारा इंडिया का और चाइना का जीडीपी सेम था, मतलब बेसिकली हम सेम लेवल पे थे। और आप देखो अगले 40 साल में चाइना हमारे कम से कम 6 गुना आगे चला गया, $14-15 trillion की इकोनॉमी बना चुका है और वर्ल्ड सुपर पावर बनने वाला है यूएस को सरप्राइज करके। बट इफ़ यू सी दोनों की पॉपुलेशन सेम है, दोनों अगर कंट्रीज देखोगे कल्चरल कंट्रीज है, बट वहाँ पे आप देखो बिकॉज वहाँ पे एक यूनिटी के साथ काम किया जाता है और एक यूनिटी से उनका कॉम्पिटिशन है कि वर्ल्ड का नंबर वन बनना, इंडिया में है कि हमारा स्टेट नंबर वन बनना, ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इंडिया बहुत पीछे इस वजह से रहे। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे राइट नाउ, लाइक अभी बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज दैट इकोनॉमी जहाँ पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोवर है, इट डजेंट मैटर कुछ भी हो रहा है, यू नो इवन अगर कोई रिसेशन आ रहा है कुछ भी हो रहा है, वी लाइक स्टैटिस्टिक्स ऐसा बताता है कि वी आर स्टिल ग्रोइंग विद 7-8%, राइट? बिकॉज दैट पुश जो आप बात कर रहे हो जो चाइना आगे गया है, दैट हैज स्टार्टेड इन इंडिया राइट नाउ। और जैसे आप वो भी देख पता है कि इंडिया में सबसे यंगेस्ट क्राउड है, अब भी चीज़ें चेंज होने लगी है इन लास्ट, आप ये डेकेड से बात करो या ये सब चीज़ें बात करो, नेक्स्ट डेकेड अगर आप 2 डेकेड की बात करोगे 10-20 साल की, यू विल सी इंडिया ओवर देयर, दैट इज़ फॉर श्योर। बिकॉज हम जिस वे से हम लोग ग्रो हो रहे हैं और जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया कोरोना अराउंड, ऑल द वर्ल्ड दे आर प्रेफरिंग इंडिया राइट नाउ, राइट? एंड वी हैव दैट पावर। आप देखोगे एप्पल आ रहा है, सब बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, स्किल्ड अभी चीज़ें बिल्ड हो रही है जहाँ पे लोगों को स्किल्ड लेबर्स बना रहे, तो वो चेंज हो ही जाएगी मेरे को तो लगता है। दैट इज़ ट्रू, कम्प्लीटली ट्रू। ये मैं 100% एग्री करता हूँ कि हम यू नो वो चाइना को टक्कर देने वाली चीज़ करने वाले, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज भी अब इंडिया में आ रहे हैं, ये और प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारे मेड इन इंडिया का जो भी प्रोग्राम आया जिसकी वजह से बहुत अच्छा इंडिया को बूस्ट मिला है। एंड वो पार्ट भी सही है कि हम अभी हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, जबकि बाकी सबसे ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, राइट? वी बीन रीच्ड ऑल टाइम हाई सबसे पहले, राइट? बाकी मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं उस पार्ट पे। लेकिन मुझे जो अभी चीज मैंने फेस की यहाँ पे एक है कि अगर आप भी देखते होंगे इंडिया में अगर आप सक्सेसफुल हो ना तो आपको बहुत हेट मिलता है, राइट? अगर आप पैसे कमा रहे हो ना, आप मुझे एक इंडिया में ऐसा पर्सनैलिटी बताओ कि जो बहुत पैसा कमा रहा है और उसको लोग बहुत प्यार करें। एक दो है मुझे पता है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, बट ऐसे यंगर जनरेशन में, बिकॉज अगर मैं दूसरे कंट्रीज में देखता हूँ या दूसरे लोगों को देखता हूँ, जब कोई कमाता है ना दे सपोर्ट ईच अदर, वहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जाया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि ये कैसे इतना आगे जा सकता है, चलो इस पर हेट्रेड वीडियो बनाता हूँ, चलो इस पर यू नो नेगेटिव वीडियोस बनाता हूँ। उधर भी होता है, मैंने जब जैसे मैं फॉरेक्स कम्युनिटी में देख रहा हूँ, राइट, वो उधर भी होता है। ऐसा नहीं कि ये वाले लोग है नहीं, वो हर फील्ड में मिलेंगे आपको, बट द थिंग इज द मोर यू फोकस ऑन द बेटर पार्ट, राइट, द बेटर इट इज, राइट? आप इतने लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम करते हो, राइट, तो आपको पता कितने सारे लोग अच्छी बात करते हैं, राइट? आई हैव सीन, मैंने देयर वाज अ टाइम जब मैं आपका लाइव स्ट्रीम देख रहा था, मैं कितने लोगों का फीडबैक्स मैं चेक कर रहा था, वो बोल रहे हैं कि सर के वजह से मेरा ऐसा हो गया, मैं 2-3 महीने से मैं लॉस में था, सर के साथ मैं लाइव ट्रेड करके मैं इतना आगे गया, राइट? सो दैट इज़ व्हाट शुड ड्राइव यू, मेरे को ऐसा लगता है, यू नो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। लोग तो होंगे, वो हर फील्ड में होता है, ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइव स्ट्रीम्स, राइट, तो आप इतने सारे लोगों के साथ ट्रेड करते हो लाइव, तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो प्रेशर कैसा फील होता है आपको? सो यार सबसे पहले ना, जब इतने लोगों में मैं ट्रेड करता हूँ ना,
तो सबसे पहले तो बहुत पहले फटती थी, बहुत फटती थी। और ऐसा होता था ना कि समझो मैं जब 1000 लोगों के साथ, मतलब 100, 500, 1000 ऐसे नंबर्स अनलॉक होते जा रहे थे। फिर वो जब हर एक नंबर अनलॉक होता था, मैं जैसे ही कंफर्टेबल होना, इस एक नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ कंफर्टेबल होना शुरू करता था, एक ब्रेकआउट आता था उस ऑडियंस में, फिर वो 2000 ऑडियंस अच्छा। आती थी। तो मैं लिटरली ऐसे माउस में ऐसे कांपता था, मेरे हाथ कांपते थे। और फिर मेरे को ऐसा होता था कि क्योंकि आप एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हो, लोग उस पर ट्रेड ले रहे, और अगर गलती से किसी ने लॉस कर दिया तो मेरा चैट्स है ना एक ऐसे स्क्रीन पे होते हैं, और मैं, मेरा ऐसे मुंह ऐसा नहीं होता था, मैं चैट देखते ही नहीं था क्योंकि मेरे को पता है कि गालियां पड़ने वाले। सो लेकिन क्या होता है ना, आप एक मतलब किसी भी इसमें जाते हो ना, तो एक टाइम क्या होता है, आप यूज टू इट हो जाते हो। तो अब मैं ऐसे बहुत यूज टू इट हो गया। पहले मैं ऐसा होता था कि यार कुछ ट्रेड लेना भी मुझे, मैं अभी ऐसा रखता हूँ कि मेरे तीनों मार्केट में ट्रेड ओपन है। नाउ आई सी दैट आपके पास वो कंफर्टेबिलिटी है, नो मैटर 4000 लेके, 10000 लेके, 20000 लेके, आपके पास वो कंफर्टेबिलिटी आ गई है जहाँ पे यू डोंट केयर, यू जस्ट लुकिंग एट द चार्ट्स और ये सब चीजें देख रहे हो। राइट right. yeah. वो कॉन्फिडेंस आता है टाइम के साथ जब आप इतने यूज्ड हो जाते हो। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जब सोचता हूँ यार अगर ये 6000 लोग अगर सामने खड़े रहेंगे तो कैसा होगा, वो नंबर्स अलग दिखता है, लोग सामने हो तो वो बहुत अलग होता है। राइट क्योंकि मुझे अभी भी सोशल एंग्जाइटी है, मतलब अभी भी लोग अगर देख रहे थे ना तो मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा है। और अभी भी मैं कहीं जाता हूँ ना बाहर तो इतने लोगों में मेरे को बात नहीं करता, मैं बहुत शांत रहता हूँ। बट जब मैं इसके मेरे रूम में होता हूँ, मैं रहता भी अकेले, तो मैं जब अपने रूम में रहता हूँ ना, बस मेरा मॉनिटर है और एक छोटा सा वेबकैम है, और मैं ऐसा लगता है मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, तो एक एकदम अलग सा फन है इस चीज में। सो हाउ लॉन्ग यू बीन यू नो ट्रेडिंग द फॉरेक्स पार्ट और क्रिप्टो, कब से ऐसे आपने स्टार्ट किया ये सब चीजें? सो अभी कैसा हुआ था ना कि इंडियन मार्केट्स तो मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा था, लेकिन 2022 में भी क्रिप्टो मार्केट्स फुल ऑल टाइम हाई पे थे, लेकिन मेरे को इतना समझ नहीं था, बस इतना समझ रहा था कि इतनी रैली हुई। तो मैंने क्या किया, इंडियन मार्केट का थोड़ा पैसा क्रिप्टो मार्केट में डाल दिया, एकदम जब बिटकॉइन 50,000 के ऊपर था, और फिर आपको पता है 22 में बहुत गंदा डिप आया और मेरे ऑलमोस्ट वो पैसे चले गए, बट स्मॉल अमाउंट था। बट फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, और क्योंकि मैं उसका लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अब क्रिप्टो के बारे में सीख लेते पूरा, क्योंकि कैसा हो गया था, इतनी डिमांड थी क्रिप्टो के लिए, और मेरे को ऐसा लग रहा था यार चार्ट्स तो सेम है, सब लोग भी ट्रेड करें, बाय और सेल ही, ऐसा क्या अलग होगा। तो वहाँ से मैंने एक्टिवली उसके अंदर इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना शुरू किया, और उसके बाद आगे चलते चलते फॉरेक्स भी मैं कर रहा था साइड बाय साइड, बट मैं कभी उसको ऑनलाइन लेकर नहीं गया, बिकॉज बहुत सारे मेरे को डाउट्स थे उसको लेके, रेगुलरिटीज और लीगलिटी, ये सब टैक्सेस, ये सब बहुत डाउट्स थे। बट जब मेरे को बाद में पता चला कि ये चीज़ जो है कम्प्लीटली इसको, इसका सोल्यूशन निकाला गया, तो फिर मैं रिसेंटली इसका भी लाइव स्ट्रीम हो गया। टेल यू अबाउट क्रिप्टो, राइट, आई हैव बीन लाइक, मेरा स्टार्ट ही हुआ क्रिप्टो से, इट्स बीन ऑलमोस्ट 12 इयर्स नाउ। तो एक चीज़ क्या है क्रिप्टो में, एवरीथिंग इज अपोजिट इन क्रिप्टो, राइट? व्हेन आई से एवरीथिंग इज अपोजिट, अ गुड न्यूज़ इन द मार्केट इज टाइम टू सेल, अ बैड न्यूज़ इन द मार्केट इज टाइम टू बाय। ओके ओके, सो आई विल टेल यू द लेवल्स जहाँ पे ये टॉप हुआ मार्केट, राइट? सो आपको पता है कि क्रिप्टो बिटकॉइन वेंट अप एट टॉप डेट 69,000। आप अगर 69,000 पे अगर आप वो चेक करोगे, जो जिस दिन 69,000 टॉप किया था, उसी दिन कॉइनबेस ने उनका आईपीओ लिस्ट किया था। ओके ओके, एंड आप अगर देखोगे ये साइकिल का, अगर उसका बॉटम देखोगे, इट वॉज बॉटम्ड ऑन द नवंबर 9th, और नवंबर 9th को क्या हुआ था, FTX जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था वो बंद हो गया था, राइट? तो वॉट एवर यू सी इन क्रिप्टो, राइट, इट्स ऑल अपोजिट। जब मार्केट में बहुत खराब न्यूज होता है, दैट्स व्हेन द मार्केट बॉटम्स। जब अभी अभी बात कर रहे हैं लोग कि ETF आएगा, ऑब्वियसली ETF आने वाला है, नो मैटर व्हाट, बट जब ETF आएगा उसके फ्यू डेज बाद द मार्केट इज गोना टॉप। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इफ यू सी, जैसे व्हेन वी नो, राइट, व्हेन वी सी अ चार्ट्स, राइट, वी नो मार्केट ट्रेंड्स लाइक हायर हाइज एंड हायर लोस, राइट? द मार्केट डायरेक्शन व्हेन इट चेंज, इट मेक्स अ लोअर हाई। एंड आपको पता है लोअर हाई पे क्या हुआ था बिटकॉइन में, एट दैट टाइम इलन मस्क वेंट ऑन द सैटरडे नाइट शो, उस टाइम पे द BTC मेड द हायर लो, सॉरी लोअर हाई, जहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होके एंड देन नीचे आया। उसके बाद उसने अनाउंस किया कि दैट टेस्ला उसके जो बैलेंस शीट से BTC निकालने वाला है। एग्जैक्टली, मैंने ये चीज़ देखी ना, जो वो बुल रन था ना उसमें इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने जब बोला कि टेस्ला वो एक्सेप्ट कर रहा है एज अ लीगल टेंडर, तो एट दैट टाइम ऑल टाइम हाई ब्रेक
जस्ट किया था एग्जैक्टली पुश और दिया गया सो दैट इट कैन गो टू 69 मुझे लगता है उसको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी इसलिए वो लास्ट पुश ये सब डंप कर दिया। ये सब चीजें तो है ही जो कि अपन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोल सकते हैं कि लोग करते हैं। तो इस चीज को मेरे को क्या लगता है पता है क्या, सो लेट्स सपोज व्हेन वी आर अ इन्वेस्टर्स राइट, हम लोग कितना करेंगे 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 3 करोड़ उनके ऑर्डर्स होते हैं 100 मिलियन 500 मिलियंस ये सब बिलियंस बिलियंस में वो लोग बाय कर रहे हैं राइट। व्हेन दे वांट टू सेल अ बिलियन डॉलर्स का ऑर्डर तो लेने वाला भी तो कोई बंदा चाहिए राइट तो आप अगर 1 बिलियन डॉलर्स का मैं बिटकॉइन बेच रहा हूँ तो आई हैव टू सेल टू समवन हु इज रेडी टू बाय दैट 1 बिलियन डॉलर्स का बिटकॉइन राइट। तो उसके लिए दीज पीपल क्रिएट दैट हाइप ओके अ गुड हाइप जहां पे लोग रिटेल लोग आ रहे राइट एंड ऑल्सो वेन दे वॉन्ट टू बाय आप देखोगे ना जैसे एज अ सेड 9 नवंबर को BTC का बॉटम हुआ था राइट FTX का देन दे वॉन्टेड टू बाय तो ऐसा कुछ न्यूज आया जहां पे मार्केट एवरी वन ऑज यू नो एक पैनिक में सेल कर रहे थे और उनको दे वॉन्टेड टू बाय इन अ ह्यूज अमाउंट। उस टाइम पे बेचने वाले भी चाहिए, अगर मैं अभी ये मार्केट में जाके 1 बिलियन डॉलर का लूंगा तो ऑब्वियसली मार्केट विल मूव 10% इन अ डे। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है एंड इट इज अ ट्रूथ ऑफ अ मार्केट ऐसा मेरे को लगता है। सो अगर ऐसा है तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं हुआ क्योंकि अब लोगों को तो समझ चुका है कि एक नेगेटिव नहीं पता है लोगों को पता ही नहीं है तो okay. लोग क्या करते हैं अभी कॉइनबेस का IPO आया है तो अरे और ऊपर जाएगा तो जब ऊपर जाता है लोग उसका 200K जाएगा 300K जाएगा 500K जाएगा तो टेक्निकली चीजें बहुत अलग है और ये जो हाइप क्रिएट करते हैं वो उसका अपोजिट ही होता है राइट वो मुझे भी याद है तब जब बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट्स ऑल टाइम हाई लगा रहे थे IPL पे एड्स आ रही थी और मुझे लगता है फुल कॉन्स्पिरेसी थी पंप करने की मार्केट्स को वो एक हाइप हो ही जाता है। यू सी लाइक मेरे फैमिली में ना सबसे ज्यादा लाइक यू नो इन्वेस्टिंग में मैं ही हूँ राइट जब मार्केट टॉप करने आता है ना जब 69,000 इधर से था मेरे दूर दूर के रिश्तेदार मेरे को फोन करके पूछ रहे कि मैं इन्वेस्ट करूँ तो कहाँ करूँ राइट जब बॉटम जब बहुत नीचे रहता है ऑब्वियसली बॉटम एकदम से ऐसा नहीं कि आप करेक्ट टाइम पे बॉटम पकड़ सकते हो बट यू कैन बाय अ गुड एवरेज यू नो डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो आप जब थोड़ा थोड़ा ले रहे हो। उस टाइम में जब लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई बाय करो दिस इज अ गुड लेवल टू बाय आगे जाके ऑब्वियसली रिटर्न देगा उस टाइम पे कोई रेडी नहीं है बट जब मार्केट इट स्टार्ट यू नो जब न्यूज में चीजें आने लगती है कि बिटकॉइन ने इतना ब्रेक किया उतना तब मेरे को फोन आने लगता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ क्या इन्वेस्ट करूँ बताओ। मुझे क्रिप्टो काफी स्केरी लगता है बिकॉज यू नो लोग क्योंकि एक तो उसकी इतनी वॉलेटिलिटी है जैसे बहुत सारे कॉइन्स हमने देखे कि जीरो हो गए थे उसका टेरा का जो फाउंडर लूना जो कॉइन था और उसमें बहुत सारे लोग इस पंप एंड डंप स्कीम में फंस जाते हैं बिकॉज वहाँ पे ऐसे हाई लेवल प्रमोशन चलता है तो लोग क्रिप्टो और रेगुलेटेड मार्केट्स भी नहीं है वहाँ पे आप 0 to 100 और 100 to 0 ये सब हो सकता है तो बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं या नए लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो मुझे डर लगता है बिकॉज लोग क्या करते हैं एक ऐसे सोशल मीडिया से जो एक एक्सपेक्टेशन पूरा जमा पूंजी डाल देते हैं तो ये काफी स्केरी है। और फॉरेक्स की भी बात करें तो मुझे लगता है यार फॉरेक्स इज द फ्यूचर बिकॉज जैसे आप भी बोलते हो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी 10 गुना बड़ा है तो आपको क्या लग रहा है इंडिया का फॉरेक्स मार्केट को लेकर क्या रिलेशन होगा फ्यूचर में जाके? इंडिया हैज बीन वेरी यू नो एक ऐसा उनका व्यू है टू सेंडिंग मनी आउटसाइड इंडिया दे हैव बीन वेरी कंजर्वेटिव अबाउट दैट राइट इसलिए फेमा एक्ट है सब चीज़ें हैं राइट इसलिए मैं आई डू दिस फंडिंग प्रोग्राम जहाँ पे मैं पैसा भेज ही नहीं रहा हूँ मार्केट्स के लिए। तो इंडिया का रूल क्या है यू कैनॉट सेंड योर ओन मनी टू ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज राइट आप अगर ट्रिक विप करो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट बट आप मार्केट ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करने के लिए यू कैन ट्रेड स्टॉक मार्केट वो चीज़ें कर सकते हो आप बट इंडियन जो अपना फॉरेक्स है आप इंडियन पैसा एज एन INR आप भेज नहीं सकते हो उसका भी एक कैप है एक लिमिटेड अमाउंट उतना ही कर सकते हो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज जो क्या होता है उस चीज़ से ना अपना INR पे बहुत इफेक्ट आता है राइट। इंडिया हैज़ बीन वेरी यू नो कंजर्वेटिव अबाउट मार्केट जैसे आप बोल रहे हो लेवरेज की बात स्टॉक मार्केट में राइट लेवरेज नहीं है ज़्यादा बिकॉज कैसे होता है व्हेन यू हैव मोर लेवरेज इन द मार्केट राइट तो वॉलेटिलिटी मार्केट का बढ़ता है राइट जस्ट लाइक हम लोग अभी क्रिप्टो की बात करते हैं आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में 100x लेवरेज मिलता है राइट बट व्हेन यू गो टू स्टॉक मार्केट आपको 1x 2x जो भी आप बोल रहे हो कि बहुत कम लेवरेज मिलता है तो दैट जो चीज़ है राइट इंडिया क्या सोच रहा है कि अगर हम लोग लेवरेज ज़्यादा देंगे तो मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा वी विल ग्रो ग्रेजुअली तो वो एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं दे आर नॉट थिंकिंग एज अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव राइट। तो आप अगर जब भी क्रिप्टो में आ रहे हो ना यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं आपको भी पता है रेगुलेशन अभी हो रहे विद टाइम आएगा
बट उसमें जैसे 100x लेवरेज है, दैट इज वॉट मेकिंग दिस थिंग गो 100x 50x, और जब नीचे जा रहा है तभी भी इतना फास्ट नीचे जा रहा है. राइट. सो यहाँ पे ना मैं मतलब आई एग्री कि इंडिया का वो फ्यूचर स्टैंड है, बट आपको ये पता है कि जैसे अभी ब्रोकर्स एक्सचेंज ने सारी सॉल्यूशंस निकाले, उन्होंने क्या किया बेसिकली कि अब रूल क्या है, फेमा क्या है, इंडिया का पैसा बाहर नहीं जा सकता, तो बेसिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनी सेटअप हो गई. राइट. और वो क्या करते हैं, समझो पर्सन ए को चाहिए 10,000 डिपॉजिट करना है, पर्सन बी को विड्रॉ करना है, तो क्या होता है, पी टू पी से कर रहे हैं. इंडिया में ही कंपनी होती है, वो INR में डिपॉजिट कर रही है, उसको विड्रॉल भी INR में मिल रहा है, तो ये इंडिया के अंदर ही हो रहा है. सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि अभी कंप्लीटली लोग आई गेस कुछ तो 6 से 8 लाख का अभी करंट एक्टिव ट्रेडर्स फॉरेक्स में चल रहे हैं, जो पर्सनल अकाउंट से भी ट्रेड कर रहे हैं. सो बिकॉज आप तो काफी टाइम से फंडेड अकाउंट में चले गए, तो आपने शायद पर्सनल अकाउंट कभी ट्रेड ही नहीं किया ना. सो मैं बोला ना कि मैं क्रिप्टो से फॉरेक्स में जा रहा था, दैट टाइम मैं सोच रहा था कि मेरा खुद का फंड जो है आई विल पुट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग फॉरेक्स. तो उस टाइम पे व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च कि कौन सा ब्रोकर यूज करूँ, ये सब चीजें जब मैं रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को है ना फंडिंग प्रोग्राम्स के बारे में पता चला. राइट. एज बीइंग अ ट्रेडर आई गॉट टू नो द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. भाई मैं पैसा कम लगा रहा हूँ, बट आई कैन मेक, इवन इफ आई मेक 5%, तो मेरा ज्यादा पैसा बन रहा है. राइट. बट तो वो मेंटेलिटी से मैंने क्या बोला, खुद का पैसा ट्रेड करने से अच्छा लेट्स गो विद द फंडिंग प्रोग्राम. ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फंडिंग प्रोग्राम लिया और मैं पास होते ही गया और मेरा पैसा आते ही गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है. ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग का चीज था टू गेट यूज टू इट कि भाई आपके पास 10% ही ड्रॉडाउन है, तो मेरे 2-3 अकाउंट भी ब्लो हुए, बट आई स्टार्टेड विद यू नो $20,000. उस टाइम पे मेरे को कितना 10-12 हज़ार रुपये देना पड़ता था एक $20,000 अकाउंट के लिए. इट वाज फीजिबल फॉर मी. व्हेन आई स्टार्टेड क्लियरिंग अकाउंट, देन मैं $50,000 पे गया, देन आई वेंट टू 100K, देन आई वेंट टू 200K, तो ऐसे बढ़ते 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 मैं आ गया. बट उस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस तो ऑब्वियसली होंगे, बहुत सारे पैसे भी गए. राइट. वो तो है. लेकिन अभी अगर ये चीज़ देखोगे ना, जैसे आपने बोला कि लेवरेज नहीं देना बिकॉज लोग वॉलेटिलिटी में लॉस ना करें, या फिर ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जो रिटेल फ्रेंडली है, तो मुझे ये बोलना है कि क्या ऑप्शन बाइंग रिटेल फ्रेंडली है जहाँ पे जिसका विन परसेंट ही 1/3 है, बिकॉज थीटा डीके भी लॉस करे, यानी मार्केट अगेंस्ट गया तो भी लॉस, साइडवेज गया तो भी लॉस. सो वहाँ पे सिर्फ तीन में से एक ही तरीका है पैसे कमाने का, जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में बना सकते हैं उस पर लेवरेज डाल दिया, बिकॉज ये बोल दिया कि आप अनलिमिटेड लॉस कर दोगे ऑप्शन सेलिंग से, इसलिए लेवरेज डाल दिया. तो ये एक चीज़ हो गई. दूसरा, अगर आपको बताया एक्सपायरी पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं, राइट, सो आप कुछ भी ऑप्शन बाय करते हो तो मंडे बाकी दिन वो ज़्यादा नहीं प्रीमियम्स स्टेबल रहेगा, बट वो उस एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा. तो पहले ऐसा होता था कि सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी एक दिन जीरो हुआ करते थे, ताकि अब लोगों के तब कैपिटल प्रोटेक्टेड थे. अब मंडे जितने ट्रेडिंग डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सब पे एक्सपायरी लग चुकी है, सब पे लोग एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं, और हर दिन मेजोरिटी ऑफ लोग अपना कैपिटल जीरो कर रहे हैं, जीरो जीरो के चक्कर में. सो ये रूल आ गया. और अब ये बोलते थे कि चलो मार्केट का टाइमिंग कम है, तो लोग एक पार्ट के ही लोग ट्रेड कर रहे थे, जॉब वाले और बिजनेस वाले, कॉलेज वाले लोग बाहर थे, बट अब उनके लिए भी शाम का मार्केट खोल दिया, 6 से 9 वाला रूल. कब से स्टार्ट होने वाला है? April 24 बोला गया कि 6 से 9 भी शाम को मार्केट चलोगा. तो मुझे तो मतलब मेरे बर्थडे के दिन ही स्टार्ट होने वाला है. ओके, ग्रेट यार. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ऊपर के लोग हैं उनको क्या चाहिए, लोग इधर ही है, कमीशन देते रहे, इधर ही ब्रोकरेज दे, इधर ही टैक्सेस दे, इधर ही चार्जेस दे, और हम ऐसे रूल्स बनाएंगे जहाँ पे लोग के पास ज़्यादा स्कोप ही नहीं पैसे बनाने का, इन द एंड लॉस ही करें, बिकॉज जहाँ पे बाइंग ऐसी चीज़ है ना, ऑप्शन बाइंग जो बहुत पैसे देती है, बट उसकी जो चांसेस है ट्रेड लेने के, जो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज वो ओकेजनली सेटअप बनता है, और रेगुलर मार्केट में आप सेलिंग करते हो. तो मुझे लगता है ना कि आपको सारे ऑप्शन देना चाहिए इक्वल स्टेज पे, कि भाई आप कुछ भी करो, जैसे क्रिप्टो में या फिर फॉरेक्स में बाय या सेल करो, सेम लेवरेज, सेम सब कुछ सेम है, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस एक ही इस पे मिलते हैं, एक ही कैपिटल में. यहाँ पे आपको हर एक जो सबसे टफ है उसको सबसे सस्ता कैपिटल, जो सबसे इजी है उसको मेबी लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलिंग, उसको करोड़ों का कैपिटल. ऐसा तो दैट्स व्हाट आई से, इट इज व्हाट इट इज, यू नो. हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, वी जस्ट हैव टू बी स्मार्ट एंड टू नो सम अदर ऑप्शंस, कि भाई और क्या ऑप्शंस है, अगर मेरे को ट्रेडिंग ही करना है तो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जहां पे मैं टू ट्रेड एनीथिंग एल्स, जहां पे मैं पैसा कमा सकता. तो तीन मार्केट है,
और एक बिगिनर है, हाँ. तो आप उसको कौन सा मार्केट सजेस्ट करोगे जो सस्टेनेबली वो अपना कैपिटल ग्रो करता रहेगा? सो सी, अभी जैसे होता है आप स्टार्ट करना जो होता है ना, आप कोई भी मार्केट पकड़ लो, राइट, आपके आपके पास पैसा है तो यू गो टू स्टॉक मार्केट, आप कोई भी पकड़ लो. इस थिंग इज आप है ना सब चीज़ें एक एक महीना ट्रेड करके देखो, राइट. आप एक महीना इंडियन मार्केट करके देखो, आप एक महीना फॉरेक्स करके देखो, और आप एक महीना है ना कुछ और करके क्रिप्टो करके देखो. जस्ट हैव अ लुक ऑफ इट कि कैसा आपको फील हो रहा है कैसे, क्योंकि इंडियन मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत कम है, क्रिप्टो का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उससे कम थोड़ा फॉरेक्स का वॉलेटिलिटी है. आपको एक बार जब तीनों मार्केट देखोगे तो आपको एक फील आएगा कि मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर देन वो एक मार्केट आप पकड़ो, एंड देन एक 6-7 महीने आप डेमो ट्रेड करो या जो भी, या किसी से सीख लो. मेरे को लगता है किसी से सीखना सबसे बेस्ट है, बिकॉज उससे क्या होता है बताया, जो आपका एक लर्निंग स्केल है, अगर मैं अकेला अगर मैं सीख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को है ना क्या हुआ था, लाइक 2-3 साल उसी में गया अकेले सीखने में, ये वीडियोस देख वो वीडियोस देख, और सब कुछ इट वॉज लाइक अ मैस कि मैं ये भी सीख रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, ये इंडिकेटर लगा रहा हूँ वो इंडिकेटर लगा रहा हूँ, और इस चीज़ से क्या हो रहा था, वो एक मैस हो रहा था कि मेरे को ये इंडिकेटर का भी सिग्नल चाहिए, वो इंडिकेटर का भी सिग्नल चाहिए, ये वो बहुत कन्फ्यूज हो रहा था. तो अगर आप एक चीज़ कोई भी आप डिसाइड करोगे ना उस पर आप फोकस करो और उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो आपको चीज़ें समझ आने लगेगी. राइट, मुझे क्या लगता है ना कि अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेंटर फाइंड करना, बिकॉज ट्रायल एंड एरर मेथड में आप बहुत सारा पैसा गवा दोगे, राइट प्रोसेस फाइंड करने में बहुत सारा पैसा गवा दोगे, बट एक राइट मेंटर आपको सही एक रास्ता बताएगा, तुम्हें ये करना है, इस वे में जाना है, इस स्ट्रैटेजी के साथ, इतने कैपिटल के साथ, वो तुम्हें पूरा टेलर्ड और तुम्हारे साइकोलॉजी को समझ के तुम्हें गाइड करेगा. राइट, exactly, इससे बहुत पैसे बचेंगे. राइट, एग्जैक्टली. आप जैसे बोलते हो ना, लाइक एज अ से, राइट, एवरी मिस्टेक इन द मार्केट विल कॉस्ट यू मनी. अब एक कोई भी छोटी गलती करो आपको उसको पैसे से ही गिराना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि ऑफिस जैसे नहीं कि मैंने गलती कर लिया, मैंने जाके बॉस को सॉरी बोल दिया एंड एवरीथिंग थिंग्स आर फाइन. अब कोई भी छोटी सी छोटी गलती करो, बड़ी से बड़ी गलती करो, आपको उसको पैसा देना ही पड़ेगा, वो मार्केट में ही जाने वाला है. राइट, आप अगर मार्केट में पैसा गंवाने से अच्छा कोई एक बंदे को आप देख लो, कोई भी हो, डजंट मैटर कौन है, राइट, आपको उसका ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आता है ना, आप उसके साथ एक आध महीना रह के देखो कि उसका जो भी एनालिसिस होता है. ऑब्वियसली आजकल सब ट्रेडर्स सोशल मीडिया में अपना एनालिसिस वगैरह डालते हैं जो भी है. हम अब देख लो, एक सेट ऑफ लोग देख लो जो अच्छा ट्रेड करते हैं उनके पास देखो, और जिसका आपको एनालिसिस बहुत इजी लगता है या जो समझ आ रहा है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें मैं ग्रास्प कर पा रहा हूँ इससे, उसके पास जाओ और बोलो कि यार एनी विच वे इज गोना लूज दिस मनी इन द मार्केट, वही पैसा जो वो बोल रहा है वो दे दो एंड लर्न इट. Right. आपका जो स्केल 2-3 साल का है दैट विल कम डाउन टू 6 मंथ्स और मे बी 4 मंथ्स. राइट, और जैसे आपने ये भी बोला कि सब बंदे हर बंदों को एक एक महीना तीनों मार्केट देखना चाहिए, तो मेरा क्या इस पे थॉट प्रोसेस है कि अगर एक बंदा समझो इंडियन मार्केट एक महीने देख रहा है, वो उसको यूज टू इट हो रहा है, एकदम से फॉरेक्स मार्केट जहाँ पे पूरे रूल्स अलग, गेम अलग, सब अलग हो जाएगा, फिर वो उसको वहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा है, फिर एकदम से क्रिप्टो जहाँ पे पूरा ही अलग हो जाएगा. सो मुझे लगता है अगर मैं होता, ठीक है, मेरे पास अगर ऑप्शन होते कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं दो चीज़ें करता, या तो मैं इंडियन मार्केट्स में इक्विटी में ट्रेड करता जो कि एकदम कम कैपिटल है, अगर मेरे पास 500 रुपये भी है तो भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगी और एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी. बट अब हम समझते हैं कि इंडियन मार्केट का टाइमिंग लिमिटेड है, तो मैं क्या करूँगा, फॉरेक्स की तरफ जाऊँगा, क्योंकि फॉरेक्स में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मिनिमम कैपिटल की. राइट, राइट, आप वहां पे $10 यानी ₹1,000 ₹800 $100 से स्टार्ट कर सकते हो, आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हो, और वहां पे सिमिलरली विदाउट थीटा डीके, विदाउट वो ऑप्शंस का जो नेचर है उसके बिना स्वैप्स होता है वहां पे बहुत लॉन्गर टाइम अगर होल्ड करते हो तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो कैपिटल. और इस दो मार्केट के बाद आपको डिसाइड करना है कि फिर आपको बेसिकली दोनों नेचर देख लोगे, लेवरेज वाला भी, नॉन लेवरेज वाला भी, और दोनों मार्केट का डिसाइड कर देते हो. आई फील फॉरेक्स एंड क्रिप्टो इज काइंड ऑफ सिमिलर, क्योंकि लेवरेज भी सेम है, 24 आवर्स भी वाला ऑप्शन है, वॉलिटिलिटी भी सेम है. सो वेन यू टॉक अबाउट दिस थिंग, इफ अगर कोई मेरा बंदा, लाइक वेन आई सी पीपल ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हैं, मैं उनको बोलता हूं यार आप क्या कर रहे हो, कम टू फॉरेक्स, बिकॉज ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई बीन थ्रू दैट जर्नी. राइट, तो अगर मेरे को कोई पूछ रहे तो ऑब्वियसली मैं उसको बोलूंगा कि भाई पहले तू फॉरेक्स में आ जा, अगर इन्वेस्ट करना है तो तू क्रिप्टो पे जा. राइट, तो उस चीज में बोल सकता हूँ. एंड वेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट, जब अपन ये चीज बात कर रहे हैं, जब भी लोग इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं दे आर जस्ट स्टिकिंग टू दैट, उनको कुछ और चीजें एक्सप्लोर करना ही नहीं है. एग्जैक्टली, आप ट्राई तो करो तब भी आपको चीजें समझ आएगी ना.
अब जब कोई अगला चीज आप देखोगे ना, आपको डिफरेंस समझ ही नहीं आ रहा है. एग्जैक्टली लोग है ना, ये है कि बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाता है. मतलब हमारे इंडिया का डिवोर्स रेट भी सबसे लो है, पता है, बिकॉज लोग एकदम सीरियसली कमिटमेंट में बिलीव करते हैं. तो ऐसा है ना कि इंडियन मार्केट्स अगर पकड़ लिया, कोई भी मार्केट पकड़ लो, मतलब एक को पकड़ लिया तो इसके पीछे आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, दो तीन मार्केट आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस है. एग्जैक्टली अबे मेरे को लगता है अभी अब रात के 3 बज रहे हैं, वी आर स्टिल शूटिंग दिस थिंग. तो लेट्स जस्ट कंक्लूड इट ओवर हियर. सो आई होप गाइज यू लाइक इट, वी स्पोक अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आगे जाके वी गोना गो इन डेप्थ, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बात करेंगे. नाउ अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ जर्नी के बारे में बात किया, वी जस्ट स्पोक अबाउट थिंग्स अराउंड ट्रेडिंग, राइट. तो अभी हम लोग आगे के पॉडकास्ट में अगर आपको चाहिए कि वी टॉक इन डिटेल अबाउट ट्रेडिंग, क्या स्टाइल हम लोग ट्रेड करते हैं, ये सब चीज़ें अगर चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन टू नो मोर एंड जस्ट कीप लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट पीपल नो हाउ रिवॉर्डिंग द ट्रेडिंग इज. सो थैंक यू अभय. Thank you so much for having me on this platform, on this podcast, and I hope you had fun. Yes, I for sure I had. So we'll keep on doing this more things. अभी लोगों को हम लोग, we get more traders, we can just do it with people. We'll talk about some technical things. ये तो start है, मतलब मेरा ये तो पहला podcast था, अभी बहुत कुछ चीजें होनी है. So thank you, और करते आगे जाकर ये. I hope the people liked it.